चलना शुरू किया तो आ जाएगी मंजिल, धीरे धीरे हिम्मत ये दिल कर देगा हासिल, जो ना गिरना गिरना उठना होगा बारंबार, ऐसे ही तो कदम सीखते नहीं नई रफ्तार, आने वाली हर मुश्किल का सामना, अब आने वाली हर मुश्किल का सामना, आने वाली हर मुश्किल का सामना, धीरे धीरे करते चलो। जिसके साथ चलता है हर दम को ही प्यार, लहरे उसका हाथ पकड़ कर वाते सागर पार, जिसके साथ साथ चलता हर दम को ही प्यार, लहरे उसका हाथ पकड़ कर वाते सागर पार, सब कुछ मुमकिन है जब तक है दिल में कोई आस, लम्हा लम्हा कट जाएगा हो कोई बनवास, जिंदगी की ये सारी पढ़ाइयाँ, जिंदगी की ये सारी पढ़ाइयाँ, जिंदगी की ये सारी पढ़ाइयाँ, धीरे धीरे पढ़ते चलो।
नहीं, मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही। ग्रेट मॉर्निंग अशरफिया। ग्रेट मॉर्निंग। मैं आपकी होस्ट हेमलता आप सभी लोगों का अशरफिया के फर्स्ट विजन लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर अशरफिया के फर्स्ट विजन लॉन्च सिक्स अस्मी फाउंडेशन डे एंड टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज 4 सितंबर 2018 को अशरफिया अपना विजन लॉन्च कर रहा है। विजन तो पहले से ही था हमारा, परंतु आज हम उसे विधिवत रूप से सभी के लिए लॉन्च करेंगे। इसके बाद जो हमारा कोर पर्पस होगा उसी को पूरा करने के मकसद से हम सभी अशरफिया में आएंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर अशरफिया के विजन को अपनाएं और उसे पूरा करें। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं अशरफिया के इन 30 सालों की सफलता के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए भी कि हम सभी की मेहनत से आज अशरफिया ने अपने 30 सालों का सफर इतने शानदार तरीके से पूरा कर लिया है और आज अशरफिया अपना विजन लॉन्च कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। और अब मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी अपनी को होस्ट मिस दरक्षा का, कि वो यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो जोरदार तालियां बजाइए मिस दरक्षा के लिए। Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very great morning to one and all present here. I welcome you all on behalf of my Ashrafia family and thank you very much for taking the time out from your busy schedule and be present here. So ladies and gentlemen, as you all know why we have been gathered here. आप सभी को पता है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि मैम ने भी अभी बताया। सभी को पता है? Yes, lovely. It's an absolute privilege and a pleasure for me to welcome you all here. I am here this morning to be a part of this great celebration of Ashrafia Group. So once again, I welcome you all here to our first vision launch ceremony of Ashrafia Group. So ladies and gentlemen, on this great occasion of Ashrafia Group, I remember one thought that motivates me always. Success is no accident. Your positive action combined with positive thinking results in success. So put your heart, mind and soul into even your smallest act. अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर प्लीज खड़े हो जाएं और हमारा जो अशरफिया सॉन्ग है आशाएं, उसे हम सब एक साथ मिलकर गाएंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग दुनिया वहां जन्नत से
मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी so much to all of you. Wow, what a lovely energetic song. Please, इस गाने के लिए एक ताली तो बनती है. जी. So now I would like to call upon our backbone of Ashrafia Group, our CEO Mr. Mohammad Faizi, to come up here on the stage and give a brief introduction of Ashrafia Group. So ladies and gentlemen, please welcome our CEO with a huge round of applause, Mr. Mohammad Faizi, on stage. Thank you so much. Great morning all of you. कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? Audible हूँ? ठीक है, चलिए. तो before going with the presentation, I would just like to show you our brief presentation on Ashrafia Group. So, आप please पहले ये video देखें, फिर मेरा presentation start करते हैं. So, as our hosts have to already told you that why we are here, हम क्यों हैं यहाँ पे, आपको उन्होंने बता ही दिया है, वो क्यों हैं हम यहाँ पे आज? Yes, ठीक है. So, हमारी जैसे कि अभी आपको host ने बताया कि हमारा 30 years complete हुआ है Ashrafia Group का, तो मैं आपको अभी जैसे future के बारे में सर जरूर आपके बताएंगे, but मैं आपको थोड़ा past के बारे में Ashrafia Group के बताना चाहता हूँ कि कहाँ से Ashrafia Group एक ग्रुप बना और उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था. तो अशरफिया ग्रुप हैड स्टार्टेड फ्रॉम अ मदरसा और उसकी इमेज ये आपके सामने है. यहाँ से हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ था जो कि एक छोटी सी बिल्डिंग आप बोल सकते हैं, और इट्सेल्फ ये बिल्डिंग रेंटल बिल्डिंग थी 1988 में वी हैव स्टार्टेड अशरफिया ग्रुप फ्रॉम हियर. एंड द बैकबोन बिहाइंड इट, द फाउंडर बिहाइंड दैट हु हैड सेटअप दिस with who has set up a very noble thing is late Mr. Alhaj Maqbool Ahmed Siddiqui. He is the founder chairman of Ashrafia Group, and simultaneously by hand on hand his son followed with his part and supported him truly, that is late Mr. Alhaj Afzal Ahmed Siddiqui. So main chahunga ki aap hamare founders ke liye bahut zordar taaliyan bajaye. And as I told you that in 1988 they had started up Ashrafia Group. After that, in the year 2000, the legacy had passed in the hands of Mr. Mohammad Akmal Siddiqui and Ms. Shabana Sheikh, and they had started up the very first thing, that is ICE. वो है हमारा Ashrafia Institute of Computer Education. And day by day they elaborated their work in different sections. जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा ही होगा कि हम अभी 33 sections पे काम कर रहे हैं, और majorly वो sections पूरा cover करते हैं.
पांच वर्टिकल्स, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे पांच वर्टिकल्स कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं. तो दीज आर अवर फाइव वर्टिकल्स विच आर वर्किंग. द वेरी फर्स्ट इज मैक, सेकेंड इज AGI, सेकेंड अस्मी, नेक्स्ट उम्मीद एंड सर्च. तो अपने प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ बताऊंगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, और हर एक वर्टिकल एक दूसरे वर्टिकल से डिफरेंट है. हर वर्टिकल अपने आप को खुद सपोर्ट करता है और जहां जरूरत होती है तो वो दूसरे वर्टिकल को भी डेफिनेटली सपोर्ट करता है. तो हमारा पहला वर्टिकल है वो है हमारा मैक, जिसको हम बोलते हैं हमारा इस्लामिक वर्टिकल. जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में अभी बताया है कि वो स्टार्टिंग जो अशरफिया ग्रुप की स्टार्टिंग हुई थी वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कहां से, मदरसे से. और मदरसे का कंसेप्ट यह होता है कि मदरसे में हम ऑफन बच्चे जो होते हैं उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं, जहां पे वो सोसाइटी के ग्रोथ के लिए भी अपना पूरा सपोर्ट दे सकें. तो आप इस जैसे देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में कि हम उनको सेमिनार्स वगैरह देते हैं और साइमल्टेनियसली उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स कराते हैं ताकि वो ना सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड बट कि सोशल बेस्ड भी अपने आप को बना सकें और सोसाइटी को साइमल्टेनियसली हेल्प करें ग्रो करने में. तो दिस इज अवर वर्टिकल विच इज मैक. The second vertical of our is totally focusing on our education, that is academic vertical, which is also known as AGI. That is Ashrafya Group of Institutions. और इसमें आपको ये हमारा पूरा जो vertical है ये पूरा हमारा education wing है, जिसमें school और vocational trainings, computer classes, सारी चीज़ें इसमें चलती हैं. और interesting बात ये नहीं है कि यहाँ classes चलती हैं, interesting बात ये है कि आप जैसे image में देखेंगे तो वो आप देखेंगे कि हमारी teachers कितनी creative हैं. तो टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाता है. तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी टीचर्स के लिए एक बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं जो कि अपना क्रिएटिव एफर्ट यहाँ डाल रहे हैं और बच्चों को ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से जिसमें वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. हमारा नेक्स्ट वर्टिकल है दैट इज़ रिटेल वर्टिकल. इट इज़ अवर बिजनेस वर्टिकल ऑल्सो विच इज़ नोन एज अस्मी. तो अस्मी का कंसेप्ट है, यहाँ पे हम पूरा वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देते हैं और ये शॉप जो है ये पूरा फोकस करती है हमारे वुमेन को. तो यहाँ जो भी सामान जो भी बिजनेस रन होता है वो बिजनेस का वुमेन एम्पावरमेंट पे है, प्लस अस्मी वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करता है, मतलब हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं. तो हम कनेक्शन करते हैं बाहर की उन वुमेन्स के साथ जो कि घर पे कुछ काम करते हैं या घर पे कुछ बनाते हैं, उनसे हम सामान लेते हैं और उसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं. तो इससे साइमल्टेनियसली हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं. और अभी हमारा कंसेप्ट भी चल रहा है 5000 वुमेन्स को अपने साथ जोड़ने का और वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास है. और इसके अभी नए डिफरेंट ब्रांचेस भी खुल रहे हैं. तो ये हमारा जो है ये पूरा फोकस करता है हमारा रिटेल वर्टिकल को. नेक्स्ट वर्टिकल हमारा है वो है वेलफेयर. और ये हमारा वर्टिकल जिसको बोलना चाहिए कि ये सबसे पुराना वर्टिकल है, जहाँ से जैसे इस्लामिक हमने बताया वहीं से दूसरा वर्टिकल ये भी था जहाँ पे हम पूरा वेलफेयर का काम करते हैं. एज आप इमेज में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारा जो मोस्ट पॉपुलर सब ब्रांड है वो है नेकी का खाना और नेकी की दीवार. तो नेकी के खाने का कंसेप्ट ये है कि हम वहाँ पे नीडी लोगों को खाना फ्री में प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ नॉट अबाउट द पुअर पीपल, इट इज़ अबाउट द नीडी पीपल. दोज हु एवर नीड कैन बी एबल टू टेक दैट फूड जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. एज वेल एज इन नेकी के दीवार में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कपड़ों को, ताकि जिनके पास वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कपड़े लेने का या कुछ चीज़ें, तो वो भी वो ले सकते हैं यहाँ से. तो ये हमारा है पूरा वेलफेयर डिपार्टमेंट. एंड नेक्स्ट आते हैं तो वो है हमारा मीडिया और इवेंट वर्टिकल. तो आज का भी जो इवेंट हुआ है ऑर्गेनाइज वो हमारी खुद वर्टिकल ने किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इवेंट मैनेजर के लिए हमारे ज़ोरदार तालियां बजाएं. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट भी है, तो आई वुड लव कि आप सब लोग इस वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ और वहाँ पर थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यार, इतना खर्चा हुआ तो चर्चा होना चाहिए. ठीक है, तो ये है हमारे पूरे वर्टिकल्स के बारे में आइडियाज़. और अभी अपनी स्पीच को ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ एक ही कोटेशन फेमस बोलना चाहूँगा जो आपके सामने मैं प्रेजेंट भी कर देता हूँ. दैट इज़ सक्सेस इजेंट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट इज़ अबाउट बीइंग बेटर. मतलब ये है कि सक्सेस यहाँ पे ये नहीं है कि आप हमेशा टॉप पे रहें, बल्कि आप हमेशा अपने आप को बेटर करते रहें, क्योंकि अगर आप बेटर होते जाओगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेजेंटेशन. काइंडली टेक योर सीट. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ऑल नो दैट व्हाई वी हैव गैदर्ड हियर. ऑफ कोर्स वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल इन हैंड विद अस. As you all know that we are here for celebrating our first vision launch of Ashrafya Group and 6th Asmi Foundation Day and then Teachers Day as well.
So it's a very, very special and a great news, we can say that. We are celebrating together as a family. So are you guys ready to celebrate this together? Itna thanda nahi. Are you guys ready? Yes. Yes, this is Ashrafia. Okay. So now moving ahead, not taking much of your time, I would like to call upon our resource head of Ashrafia Group, Mr. Mohammed Akmal Siddiqui and Ms. Shabana Sheikh to come up here for welcoming our keynote speaker, Dr. Ajay Sheesh. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान अभी बाकी है। तो इसी तूफान को बरकरार रखते हुए मैं आप सभी लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर डॉक्टर अजय शेष सर जी का, जिन्हें आज किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ भूषण, संगीत भूषण, MBBS, MS, MBA, गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी डॉक्टर मिस्टर अजय शेष जी का मैं स्टेज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चार सितंबर 2018 की इस खूबसूरत सुबह को, दोपहर का समय होने जा रहा है, इस खूबसूरत दोपहर को मैं डॉक्टर अजय शेष अशरफिया ग्रुप के सभी मेंबर्स का और यहाँ पर आए हुए सभी बड़ीज का और हम सभी मित्रों का, सभी एम्प्लॉयज का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत अभिवादन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग कम हियर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सब जोरदार तालियों के साथ में इनका हम इस्तकबाल करें यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संभव हो सका है। तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि पूरी ताकत से, भले आपके हाथ लाल हो जाएं, इतनी ज़ोर से आप तालियां बजाएं कि आज के इस कार्यक्रम का पूरी एनर्जी के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। मैं स्वयं हमेशा ऊर्जा से लबरेज रहता हूं, पूरी तरह से ऊर्जा में मैं डूबा रहता हूं, शायद इसलिए भी कि मैं कोरबा से आता हूं और कोरबा को क्या कहा जाता है, ऊर्जाधानी कहा जाता है, राइट। रायपुर है हमारी राजधानी, बिलासपुर है हमारी न्यायधानी और कोरबा है हमारी ऊर्जाधानी। तो मैं कोरबा से आता हूँ, कोरबा मेरा होम टाउन है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ऑडियंस भी ऊर्जा से हमेशा लबरेज रहेगा। इसलिए अब मैं कुछ नाम लेने वाला हूं और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जोरदार तालियों के साथ में इन व्यक्तियों का, इन लोगों का, इन महानुभावों का जो है आप स्वागत करें, इस्तकबाल करें। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मोहतरमा नसरीन एहसान सिद्दीकी जी का, जो कि अशरफिया ग्रुप की चेयरमैन है। एक बार जोरदार तालियां हमारे फाउंडर मेंबर्स के लिए, आइए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन आपका। अगला नाम जो मैं लेना चाहूंगा जनाब फुजैल अहमद सिद्दीकी जी का, आप हमारे अकमल जी के चाचा हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। नसरीन एहसान जी जो वो हैं, वो चेयरपर्सन हैं और जनाब फुजैल अहमद जी जो हैं, फुजैल अहमद सिद्दीकी जो हैं, जो को चेयरपर्सन हैं ये अशरफिया ग्रुप के। अगला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो है मोहम्मद अकमल सिद्दीकी जी का। बहुत तालियां जोरदार हो जाएं। वेरी इंटरेस्टिंगली मोहम्मद अकमल सिद्दीकी जी जो है, ही इज रिसोर्स हेड ऑफ विजन। सिर्फ विजन के रिसोर्स हेड वो हैं और अपना जिम्मेदारी का निर्वहन इस प्रकार से कर रहे हैं। अगला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो है शबाना शेख जी, जो कि है रिसोर्स हेड ऑफ एग्जीक्यूशन और आप जो हैं मोहम्मद अकमल जी की सिस्टर हैं, इनकी बहन हैं। अगला नाम जो मैं लेना चाहूंगा मिस्टर सरवत हुसैन जी का, जो कि कोर विजन ऑफिसर है यहां पर। स्वागत है
सरवत हुसैन जी, मोस्ट वेलकम। अगला नाम जो मैं लेना चाहता हूं वो है मिस्टर मोहम्मद फैजी जी, जो कि कोर पर्पज ऑफिसर हैं। वेलकम। और अशरफिया ग्रुप की कोर वैल्यू ऑफिसर जो हैं वो हैं, जिनको मैं आमंत्रित करने वाला हूं, मिसेस बिल्किस रजा जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मेरे ख्याल से ग्रुप फोटो अभी जो है ये सभी परिवार के सदस्यों का जो एक ये हो जाए, और चूंकि अब मैं भी इस परिवार का सदस्य हूं तो मैं भी यहां पर खड़ा हो जाता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जब चलती है, या कोई भी व्यक्ति जब अपना खुद को, खुद का व्यवसाय, एक व्यवसायी के रूप में जब आगे बढ़ता है, या कोई भी व्यक्ति जो है एक एम्प्लॉय के रूप में जब आगे बढ़ता है, कोई भी कंपनी जो मार्केट में निवेश करके बिजनेस करते हुए आगे बढ़ना चाहती है, या कोई भी एक कंपनी के अंदर का एक डिपार्टमेंट है जो अपना काम बहुत अच्छे से करके कंपनी के योगदान में, कंपनी के ग्रोथ में अपना योगदान देना चाहता है, ये सभी, चाहे हम डिपार्टमेंट लेवल पर बात करें, चाहे हम व्यक्तिगत लेवल पर बात करें, चाहे हम कंपनी लेवल पर बात करें, या हम सोसाइटी लेवल पे बात करें, दो चीजें जो हमेशा एक साथ चलती हैं, दो चीजों के बीच में जिसको हमको बैलेंस बनाना पड़ता है, और वो चीज जो है मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, यहां पर ये करना चाहूंगा। सबसे पहले जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमको जो मेंटेन करनी होती है वो ये है, मेरी आवाज पीछे तक ठीक आ रही है? पीछे के रो वाले हाथ उठाएंगे अगर मेरी आवाज आ रही है तो, ओके। अगर आवाज में कुछ कम ज्यादा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमको ध्यान देनी चाहिए वो है, जिसको हम यहां पर मैं लिख रहा हूं, एफिशिएंसी। आप सब लोग पढ़ सकते हैं इसको, एफिशिएंसी। मतलब यह है, एफिशिएंसी का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? हम बोलते हैं ना बहुत एफिशिएंट आदमी है, बहुत एफिशिएंटली उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया, एफिशिएंसी का मीनिंग मुझे कौन बताएगा? जितना जो भी आपको समझ में आता है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मलयालम में, जिस भाषा में आप बताना चाहें, आपको जो समझ में आता है कि ये एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। यस प्लीज अमित जी। परिपक्व, ओके। एक मीनिंग बताया कि एफिशिएंसी मींस मैच्योरिटी होना, परिपक्व होना, ओके। यस, एबिलिटी। एक जवाब आया कि एफिशिएंसी मींस एबिलिटी, कि बड़े एबिलिटी के साथ काम किया, बड़ा एफिशिएंट आदमी है, बहुत एबल आदमी है। यस, एनी अदर आंसर? यस प्लीज नीरज जी। हाँ, प्रोडक्टिविटी, ओके, वंडरफुल। एफिशिएंसी मींस प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो हम बोलेंगे कि एफिशिएंसी अच्छी है। सब कुछ ठीक है पर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो हम एफिशिएंट बोलेंगे क्या? नो। सो वंडरफुल आंसर, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एफिशिएंट, एफिशिएंसी, ठीक है, ओके। एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? हाँ, यस प्लीज। इनपुट आउटपुट रेशियो जो आप बोल रही हैं, ठीक है, कि हमने इतना इनपुट दिया, अगर मैंने इनपुट दिया 10 यूनिट अपने काम में, जो भी 10 यूनिट इनपुट दिया और मुझे आउटपुट मिला 7.5 यूनिट, क्या हम इसको एफिशिएंट सिस्टम बोलेंगे? बोलेंगे? इनपुट है 10 यूनिट, आउटपुट है 7.5 यूनिट, इज इट एन एफिशिएंट सिस्टम? नो, इट इज नॉट एन एफिशिएंट सिस्टम, क्योंकि आउटपुट जो है वो इनपुट से ज्यादा होना ही चाहिए। सो दिस इज एफिशिएंसी, जिसका अलग अलग मीनिंग आपने दिया कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, क्या काबिलियत है, कैसी क्या ये है, ठीक है। एक और वर्ड जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है, इस वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा, और आज के पूरे स्टॉक का, आपके पूरे बिजनेस के प्रोसेस का, आपके पूरे डिपार्टमेंट के प्रोसेस का, और अपने कैरियर का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा वर्ड जो है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो है क्या लिखा मैंने यहां पर, जो पीछे के लोग जो अगर देख नहीं पा रहे हैं, मैंने लिखा है इफेक्टिव। इफेक्टिव, एक होता है एफिशिएंट और एक होता है इफेक्टिव। अब इफेक्टिव क्या है मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव?
इम्पैक्टफुल, एक जवाब आया कि इफेक्टिव मीन्स इम्पैक्टफुल, मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ा. ओके, एनी अदर आंसर? पार्डन, कौन? प्रभावशील या प्रभावशाली. ओके, प्रभावशाली. यस, एनी अदर आंसर? मतलब मेरे को सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ हिंदी ट्रांसलेशन, आई वॉन्ट द मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या है. इफेक्टिव, बाद में इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है? थोड़ा एक लेवल और गहराई पे जाएंगे, ठीक है? इफेक्टिव का मीनिंग क्या है? एक ने कहा प्रभावकारी या प्रभावशील. यस, एनी अदर? यस, ओके ओके ओके. सो इनका कहना है कि एफिशिएंसी मतलब मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और इफेक्टिव मतलब जो डिजायर्ड रिजल्ट तो मिल रहा है, पर अगर अनडिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है तो इनका कहना है डिजायर्ड रिजल्ट मिलना इज इफेक्टिव. ओके, बहुत अच्छा ख्याल है. एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? इफेक्टिव मतलब क्या? अच्छा चलिए ठीक. हाँ, यस प्लीज. हाँ, जिसके रिजल्ट पे दूसरे पे भी इफेक्ट पड़े. ओके, ठीक है. एक मेरा एफिशिएंट स्पीच हो सकता है या फिर मेरा इफेक्टिव स्पीच हो सकता है. आज जो ये मैं टॉक दे रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं, एक्चुअली मेरा स्पीच नहीं रहता, एक तरह का प्रेजेंटेशन रहता है, राइट? क्योंकि मैं मुंह से जितना बोलता हूं उतना अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बोलता हूं, राइट? सो आप मेरा स्पीच आज का एफिशिएंट स्पीच चाहते हैं, एफिशिएंट प्रेजेंटेशन चाहते हैं, या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन चाहते हैं, ये बताइए. या दोनों चाहते हैं? दोनों में अगर बोला कि नहीं यार कोई एक एक ही मिल पाएगा, तो आप दोनों में से क्या सिलेक्ट करेंगे? क्या सिलेक्ट करेंगे? एफिशिएंट चाहेंगे या इफेक्टिव चाहेंगे? क्यों इफेक्टिव चाहेंगे? क्यों एफिशिएंट? अगर एफिशिएंट और इफेक्टिव की अगर जद्दोजहद हुई तो आपने इफेक्टिव को चुना, क्यों? अच्छा, मतलब आपको क्या करेगा? आपको इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा. थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ रहे हैं डिफरेंस? सर, इफेक्टिवनेस कॉल्स फॉर एन एक्शन. इफेक्टिवनेस कॉल्स फॉर एन एक्शन. ओके, और एफिशिएंट? एफिशिएंसी इज इनपुट आउटपुट रेशियो. इज इनपुट आउटपुट रेशियो, यस. ओके, राइट. अब ये एफिशिएंसी और इफेक्टिव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है? बोथ आर इंपॉर्टेंट. अगर मैं एफिशिएंट नहीं हूं तो इफेक्टिव हो सकता हूं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को जो इफेक्ट चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? ऑब्वियसली पॉजिटिव चाहिए, ठीक है? यहां पे मैं बहुत एक इफेक्टिवली नेगेटिव स्पीच दे सकता हूं. दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? बट पॉजिटिव मेरे को इंपैक्ट भी चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट भी मुझे चाहिए. अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा. व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज एफिशिएंसी फॉर इफेक्टिविटी एंड यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज इफेक्टिविटी फॉर एफिशिएंसी. और यहीं पर मैं आपको एक वो स्टोरी की याद दिलाना चाहूंगा जो आपने बचपन में सुनी हुई है. अब इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा सकूंगा द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है? एक फार्मर था, एक किसान था जो मुर्गी पालन भी करता था, मुर्गियां भी पालता था, और वो मुर्गियां जो है वो अंडे देती थी, ठीक है? वो अंडे देती थी, तो वो रोज जो है वो जाता था, जो मुर्गियां थी जितने अंडे दिए हुए उन अंडों को उठा करके वो लेके आ जाता था. ये स्टोरी आप सबने सुनी है, बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा. तो एक दिन जब वो वहां पर गया और अंडे सुबह जाकर के वो अंडे बीनने के लिए गया, तो उन अंडों के बीच में उसको एक कौन सा अंडा दिखा? सोने का अंडा दिखा. सोने का अंडा देख करके वो बहुत खुश हो गया. उसने बोला कि वाह, ठीक है. अब उसको पता नहीं था कि इन मुर्गियों में से कौन सी मुर्गी ने वो सोने का अंडा दिया. तो अगले दिन उसने ऑब्जर्वेशन में उसको रखा, ऑब्जर्व किया, ये देखा, उसको पता चल गया कि सोने का अंडा ये मुर्गी देती है. तो ऑब्वियसली जो मुर्गी सोने का अंडा दे रही है वो मुर्गी तो इंपॉर्टेंट हो गई अपने लिए, क्योंकि अंडे सभी दे रहे हैं, ये मुर्गी सोने का अंडा दे रही है.
ठीक है, तो उस मुर्गी को उसने थोड़ा सा अलग रख दिया और रोज वो सुबह जाता था और एक सोने का अंडा वहां उसको मिलता था, वो एक सोने का अंडा लेकर के वो आ जाता था। तो दो दिन में दो अंडे हो गए, फिर पांच अंडे हो गए, फिर दस अंडे हो गए, फिर पंद्रह अंडे हो गए, बीस अंडे हो गए, तीस हो गए, पचास हो गए, सौ हो गए, ठीक है। अब ये सोने का अंडे मिलते 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 ये किसान जो है वो बहुत अमीर हो गया, ठीक है। और अमीर हो गया तो उसने अपने खर्चे भी बढ़ा लिए। अब जो सोने का अंडा उसको खुशी देता था और वो उस सोने के अंडे पे डिपेंडेंट हो गया कि किसी दिन अगर अंडा नहीं है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था और उसको लगा कि यार ये रोज एक अंडा, रोज सिर्फ एक अंडा, सिर्फ एक अंडा, अगले दिन यार एक ही अंडा सोने का, एक ही अंडा। बोले नहीं यार ये तो अब मजा नहीं आ रहा है। देखो कैसा होता है ह्यूमन साइकी के साथ में, अब मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना मैं एक साथ सारे अंडे निकाल लूं। अब देखो भाई स्टोरी है, बहुत सीरियस इमोशनल मत हो जाओ, स्टोरी है, करेक्ट। तो उसको लगा कि मैं सारे अंडे निकालूं, मेरे को कल का अंडा और परसों का अंडा और उसके बाद का भी अंडा चाहिए, ये मुर्गी के अंदर में है, ये एक एक करके देती है, करेक्ट। तो उसने क्या किया, एक चाकू लिया, मुर्गी को काटा, अंदर में क्या मिला उसको, अंदर क्या मिला, शायद एक अंडा मिला होगा जो कि अगले दिन, हाँ जो प्रोसेसिंग में था, जो अगले दिन शायद मिलता, वो एक आधा अधूरा अंडा जरूर मिला होगा, ठीक है। अगले दिन कुछ मिला, अगले दिन कुछ मिला, नहीं मिला, फॉर एवर दैट मुर्गी वॉज गॉन, करेक्ट है। तो जो सोने का अंडा हमको मिलता है वो सोने का अंडा ले लेना, उसको यूज करना, हाउ आई यूज दैट सोने का अंडा, ठीक है, वो रोज एक सोने का अंडा लेना इज इंडिकेटिव ऑफ अवर एफिशिएंसी, करेक्ट। उस मुर्गी को जिंदा रखना, उस मुर्गी को और भी मोटा ताजा रखना, उस मुर्गी को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रखना, उस मुर्गी का विशेष ख्याल रखना, उस मुर्गी को बाकी सभी गलत इन्फ्लुएंसेस से बचाना, उस मुर्गी को किसी भी इंजुरी से बचाना ताकि वो सालों साल सालों साल सालों साल सोने का अंडा देती रहे, इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव। समझ में आया? द इशू इज दैट हमको एफिशिएंसी की पड़ी रहती है कि दो अंडा क्यों नहीं देती, कल का अंडा भी आज क्यों नहीं देती, ज्यादा अंडे निकालना, दैट इज गुड, ठीक है, अच्छा है, अंडा तो चाहिए डेली, ठीक है, पर उस मुर्गी की हेल्थ का ख्याल रखना कि सालों साल वो अंडा देते रहे, उस मुर्गी को इंज्योर नहीं करना, उसको काट नहीं देना ताकि वो एक अंडा डेली मिलता रहे, इज इफेक्टिव, करेक्ट। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर इज अ वेरी इफेक्टिव मुर्गी इन द फॉर्म ऑफ अशरफिया ग्रुप जो हमको सोने का अंडा लगातार देती रही। मैं दो चार साल या पांच साल या दस साल अपना सब कुछ भूल के अपने शरीर पे स्ट्रेन डाल के और डाल के और डाल के और डाल के और डाल के शायद ज्यादा कमा सकता हूं इस एफिशिएंसी के चक्कर में कि कितना कमा लूं, 18 घंटे काम, 19 घंटे काम, 20 घंटे काम, आई एम एफिशियंट, बहुत काम कर लेता हूं, बहुत वैल्यू क्रिएट कर देता हूं, बहुत कमा लेता हूं, 19 घंटे काम करता हूं, 19 घंटे काम कितने साल कर पाऊंगा,
कितने साल? आई एम वेरी एफिशिएंट. एक मोमबत्ती को दोनों सिरों से जला दो, इट बिकम्स मोर एफिशिएंट. बट इज इट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म? नो. ज्यादा रोशनी थोड़े समय तक मिलेगी इस मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दिया तो, पर बहुत जल्दी ही वो खत्म हो जाएगी. तो मेरे को ये एफिशिएंसी और इफेक्टिव का बैलेंस बना करके रखना है कि ये मोमबत्ती को इस तरीके से जलाऊं कि रोशनी भी मुझे मिलती रहे और लंबे समय तक वो रोशनी मुझे मिलती रहे. करेक्ट है? या फिर मैं ऐसे इफेक्टिव मोमबत्तियों की ऐसी एक फौज तैयार करूं, एक ही मोमबत्ती से सब कुछ निकाल करके उसकी लाइफ कम ना कर दूं. So what we are trying to create here, a company जो होती है, एक group जो होता है, एक organization जो होता है, ठीक है, वो हमको सब कुछ देता है. अब एक बात मुझे बताइए, आपकी life है जो इस company के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, आपके लिए ये जो अंडा है, ये अंडा क्या represent करता है आपके लिए? आपको इस कंपनी से क्या चाहिए? आपको इस लाइफ में क्या चाहिए? पहला आंसर एकदम ऑब्वियस है. क्या चाहिए? हाँ, अंडा. मतलब क्या? मतलब अंडा तो ठीक है, एग करी बनाएंगे, अंडा करी शायद हो सकता है लंच में मिल जाए आज, अब यू नेवर नो. हाँ, पर मतलब अंडा मतलब क्या आपके लिए? अब ये मत बोलो सर मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूं, आप सबसे अंडा 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 कर रहे हैं. मनी. तालियां एक बार जोरदार. आई लाइक इट. ये सबको पता था ये आंसर, आपने बोल दिया. बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है. सबसे अंडे का पहला मीनिंग तो पैसा. हाँ, वो मैं समझ गया. पैसा. और इस बात को हम मान ले, ठीक है, पैसा कमाने का तरीका, वो पैसा किस सोर्स से आया, कैसा आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट पैसा तो हमको चाहिए, जरूरत है. करेक्ट है? पैसा. अच्छा, ओके. अड्डा मतलब और क्या? एक तो पैसा हमको चाहिए, दूसरा और क्या चाहिए हमको लाइफ में? शोहरत चाहिए, वी वॉन्ट फेम. हेल्थ चाहिए. किसने कहा? यस, वी वॉन्ट हेल्थ. वेरी गुड. सेटिस्फैक्शन हमको चाहिए. वी वॉन्ट सेटिस्फैक्शन. ओके, वॉट एल्स वी वॉन्ट? स्पिरिचुअल. हमको फुलफिलमेंट चाहिए, स्पिरिचुअल हमको हैप्पीनेस चाहिए. यस, एनीथिंग एल्स? क्या? हाँ, फ्यूचर चाहिए हमको. ओके, हमको चाहिए फ्यूचर, ऑब्वियसली अच्छा फ्यूचर, तो हमको चाहिए फ्यूचर. हमको फ्यूचर चाहिए. और अगेन, कुछ चीजें कम इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्थ वगैरह. चलो, तो ये सब चीजें हमको चाहिए. तो एक बार मैं एक धीरे से आपको गिना देता हूं. व्हाट वी वांट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट वी वांट मनी फ्रॉम लाइफ, वी वांट फेम फ्रॉम लाइफ, वी वांट हेल्थ, वी वांट सेटिस्फैक्शन, वी वांट स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, एंड वी वांट अ ग्रेट एंड अ ब्राइट फ्यूचर. ठीक है, ये सब हमको मिलता है हमारी लाइफ से, और जब हम लाइफ में कुछ करते हैं, ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं, ठीक है. गेटिंग मनी फ्रॉम द कंपनी इज एफिशिएंसी. गेटिंग फेम, बीइंग एबल टू टेक फेम, फेम हासिल कर पाना एफिशिएंसी है. पैसा हासिल कर पाना एफिशिएंसी है. हेल्थ मेंटेन कर पाना एफिशिएंसी है. सेटिस्फैक्शन अपने जॉब से ले पाना एफिशिएंसी है. स्पिरिचुअल बेनिफिट या स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन ले पाना, किसी का भला कर पाना एफिशिएंसी है. फ्यूचर जो है अपना बना पाना इज एफिशिएंसी. ये सब मुझे जहां से मिलता है, वो जो सोर्स है, उस सोर्स को लगातार हेल्दी रखना, बीइंग इफेक्टिव, मतलब लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट मुझे मिलता रहे. ये सब जहां से मुझे मिलता है उसको हेल्दी बना के रखना इज इफेक्टिविटी. इसीलिए उस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली
इफेक्टिव पीपल, नॉट सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली एफिशिएंट पीपल. एफिशिएंसी तो आप सबको पता है. अति असरकारी लोगों की सात आदतें. इज इट क्लियर टू यू? तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हैं, और आज का ये जो पूरा हमारा विजन का ये है, मैं इसी बात से अपनी शुरुआत करना चाहता था कि इफेक्टिविटी अगर हम बना के रखते हैं तो हमको एफिशिएंसी की कभी कमी नहीं होगी. एंड अगेन ये इफेक्टिविटी की ही बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द विजन स्टेटमेंट एंड द मिशन स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग. करेक्ट है कि जब हम एक कंपनी को हेल्दी रखते हैं, जब अशरफिया ग्रुप हेल्दी रहेगा तो सोने के अंडे हमको लगातार मिलते रहेंगे. पर आज थोड़ा ज्यादा सोने के चक्कर में, मतलब सोना पाने के चक्कर में अगर मैंने उस मुर्गी को इज्जोर कर दिया तो आज के लिए शायद मैं थोड़ा सा और एफिशिएंट हो जाऊंगा, पर लॉन्ग टर्म इफेक्टिव रहूंगा क्या? नहीं रहूंगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आज मैं ज्यादा काम करके, ज्यादा ओवर टाइम करके, ज्यादा ये करके अपने बॉडी को ज्यादा यूज करके, अपनी बॉडी को ज्यादा यूज करके, अपनी बॉडी को ज्यादा यूज करके शायद इफेक्टिव, शायद ज्यादा जो है एफिशिएंट हो सकता हूं, पर लॉन्ग टर्म में अगर मैं अपनी हेल्थ खराब कर लिया तो वो पैसा ज्यादा दिन टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा. हम सब ने सुना है ना कि कई लोग 50 की उम्र तक अपना शरीर खराब करके, शरीर खर्च करके पैसा कमाते हैं, एंड आफ्टर द एज ऑफ 50 वो पूरा पैसा खर्च हो जाता है अपनी हेल्थ को वापस पाने के लिए. इज इट अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम? इट इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव सिस्टम. इफेक्टिव सिस्टम वो होगा कि शायद आज मैं इतना ज्यादा नहीं, पर लंबे समय तक 70 की उम्र तक, 80 की उम्र तक, 90 की उम्र तक, 100 की उम्र तक, 105 की उम्र तक, 105 की उम्र तक अगर मैं प्रोडक्टिविटी देता रहूं और देता रहूं और देता रहूं और प्रोडक्टिविटी देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, ठीक है, तो इन द लॉन्ग टाइम आई विल बी फार मोर इफेक्टिव. मेरा इंपैक्ट इस धरती के ऊपर में कहीं ज्यादा रहेगा एज कंपेयर्ड टू अ फ्लैशलाइट ऑफ 3 years और 4 years और 5 years. राइट? कई लोगों की लाइट जो है ना, कई लोगों की लाइफ जो है एक फ्लैश लाइट की तरह रहती, बहुत तेज वो जो है ना. अगर वो 40 वाट के बल्ब से मेरे को ज्यादा रोशनी निकालनी है तो मैं 440 वो कर दूंगा ना, थोड़ी देर के लिए ज्यादा रोशनी आएगी, पर क्या हो जाएगा उस बल्ब को? फ्यूज हो जाएगा. इफेक्टिविटी ये है कि उस बल्ब को मैं इतना हेल्दी रखूं और वोल्टेज और बाकी जो भी अप्स एंड डाउन जो वोल्टेज के होते हैं उसको स्टेबिलाइज रखूं कि उस बल्ब से ज्यादा समय तक मैं रोशनी जो है वो लेता रह सकूं और ऐसे रोशनी देने वाले और बल्ब मैं पैदा कर सकूं. क्लियर है? इसके लिए हम जो बात कर रहे हैं, यहां पे आज हम सब मिले हैं फॉर द विजन लॉन्च. नाउ अशरफिया ग्रुप, अशरफिया ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर मैं इसको बोल सकूं, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. उन सब पूरी कंपनीज का विजन लॉन्च आज हम करने वाले हैं. मैं आपको बताना चाहता था. अच्छा, मुझे एक बात बताइए. नाउ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. तो हेल्थ पे मुझे काम कब करना चाहिए? बीमार होने के बाद या बीमार होने के पहले? बीमार होने के पहले. What I mean to say is that you have to start working on the health. You have to start working on the health of the murgi when everything is going all right. गाड़ी की सर्विसिंग कब करानी चाहिए? खराब होने के पहले या खराब होने के बाद में? अगर आप खराब होने के पहले अगर आप सर्विसिंग कराते रहते हैं तो गाड़ी कभी खराब होगी क्या? नहीं होगी. तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डू उसकी जरूरत पड़ने के पहले. पढ़ाई कब करनी चाहिए? एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद में? कॉमन सेंस ना. एग्जाम अगर अप्रैल में है
आजकल तो अप्रैल में नहीं, आजकल तो मार्च फरवरी में, एग्जाम अगर मार्च में है तो पढ़ाई कब से शुरू कर देनी चाहिए? फरवरी से। एक जवाब आया फरवरी से। नहीं, मैं आपका स्टाइल नहीं पूछ रहा हूं, आप जब स्कूल में थे तब का। हाँ, अगर आप बोले पिछली फरवरी से, अब स्कूल का सेशन चालू होता है, फॉर एग्जाम्पल जुलाई, हमारे समय जुलाई से चालू होता था, अप्रैल में एग्जाम होती थी। अगर अप्रैल में एग्जाम है तो पढ़ाई कब से शुरू हो जानी चाहिए? जुलाई से शुरू हो जानी चाहिए, जब वो एग्जाम का टेंशन नहीं है। ठीक है, जब वो एग्जाम का टेंशन नहीं है तभी से हमको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, ताकि एग्जाम का टेंशन ही ना हो। जब गाड़ी सही चल रही है तभी उसकी सर्विसिंग करानी चाहिए, ताकि गाड़ी खराब ही ना हो। जब सब कुछ चल रहा है, मेरा हेल्थ जब अच्छा है, तभी मुझे हेल्थ पॉलिसी ले लेनी चाहिए। दूसरी बार बोल रहा हूं, जब हेल्थ मेरी अच्छी है उसी समय अगर मैं पॉलिसी ले लेता हूं, तो जब हेल्थ खराब होगी तो मेरे को मन की शांति रहेगी। करेक्ट है। जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं अर्जेंट, और जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी इज वर्किंग ऑन द अर्जेंट, इफेक्टिविटी इज वर्किंग ऑन द इंपॉर्टेंट। माय हेल्थ is important। अगर आपने वो बुक पढ़ी है 7 Habits, मैं खुद, मेरी, मैं और मेरी लाइफ बहुत कुछ उस किताब पे मोल्डेड है, मतलब उस किताब ने मोल्ड किया है मेरी लाइफ को। और ये अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी और इफेक्टिव को इतने अच्छे से मैं समझ चुका हूं कि मुझे पता चल जाता है किस समय क्या इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज करना अर्जेंट या इंपॉर्टेंट? अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है। श्योर, श्योर, करेक्ट है। एक्सरसाइज करना इज नॉट अर्जेंट, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जुलाई चल रहा है, एग्जाम है अप्रैल में, अभी आज पढ़ाई करना अर्जेंट की इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट। अभी कोई अर्जेंसी नहीं है, एग्जाम दूर है, अर्जेंट। अभी गाड़ी सही चल रही है उसकी सर्विसिंग करवा लेना अर्जेंट या इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट। जब जब हम इंपॉर्टेंट पे काम करते हैं तो लाइफ में अर्जेंट चीजें बहुत कम हो जाती हैं। करेक्ट है। अब सर्विसिंग नहीं कराई क्योंकि एफिशिएंसी के चक्कर में, सर्विसिंग नहीं कराई क्योंकि 2 दिन गाड़ी गैरेज में रहेगी, सर्विसिंग नहीं कराई, 2 दिन चला लेता हूं गाड़ी, कमा लेता हूं गाड़ी से, और सर्विसिंग नहीं कराई, और अगले महीने भी सर्विस ओवरड्यू हो गई, सर्विसिंग नहीं कराई, गाड़ी का तेल नहीं बदला, ब्रेक ऑयल नहीं बदला, इंजन ऑयल नहीं बदला, गाड़ी क्योंकि अभी चल रही है, और अगले महीने फिर नहीं बदला ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल, सर्विसिंग नहीं करवाई, गाड़ी अभी चल रही है, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग कराना अर्जेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन जब जरूरी डिलीवरी कहीं करनी हो और गाड़ी खड़ी हो जाए, अब वो अर्जेंट हो गया कि इंपॉर्टेंट? अब वो हो गया अर्जेंट। क्यों अर्जेंट हुआ? क्योंकि इंपॉर्टेंट पे ध्यान नहीं दिया। एक्सेस एफिशिएंसी के चक्कर में इफेक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अगर आपको उससे समझ में नहीं आया तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट से आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। राइट, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, वजन बढ़ता गया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, और जाकर के वो हॉस्पिटल जाकर के चेकअप नहीं करवाया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया और हॉस्पिटल जाकर के चेकअप नहीं करवाया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, हॉस्पिटल जाके चेकअप नहीं करवाया क्योंकि इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं है, क्योंकि अर्जेंट नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं गया, हेल्थ पे का चेकअप नहीं करवाया, जब सब कुछ ठीक है तब हेल्थ का चेकअप नहीं कराया, हॉस्पिटल नहीं गया, अब एक दिन छाती में जोर से दर्द शुरू हुआ, अब हॉस्पिटल जाना अर्जेंट या इंपॉर्टेंट?
अर्जेंट हो गया, अब बोल सकता है क्या? चले जाएंगे यार, अब हो सकता है क्या? क्योंकि अब भी अगर नहीं गए तो चले ही, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं, हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट अर्जेंट के परे चला गया। करेक्ट है, हम सब कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं, यहां पे जितने एम्प्लॉयज भी बैठे हैं, यहां जितने एम्प्लॉयज भी बैठे हैं, यहां पे बहुतायत में तो एम्प्लॉयज ही बैठे हैं, उन सब से मैं यही कहता हूं कि योर जॉब, आपका जो जॉब है, इज अ स्मॉल बिजनेस ऑफ इट्स ओन। योर जॉब, आप जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं, इट डज नॉट मैटर कितने छोटे ओहदे पर हैं, कितने बड़े ओहदे पर हैं, इट डज नॉट मैटर, इट इज अ स्मॉल बिजनेस इन इट्सेल्फ, है कि नहीं है? आप कुछ काम करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना समय देते हो आप, अपना मेहनत देते हो आप, उसके एवज में आपको कुछ पैसा मिलता है। इट इज इन फैक्ट एक इन्वेस्टमेंट है और उसका एक रिटर्न है, इट इज अ स्मॉल बिजनेस इन इट्सेल्फ। ये समझ में आई बात सबको? आपका जॉब एक मिनिएचर बिजनेस ही है, क्योंकि आप उसमें कुछ निवेश करते हैं। क्या निवेश करते हैं? समय का निवेश करते हैं, और क्या निवेश करते हैं? एफर्ट्स का, एनर्जी का निवेश करते हैं, और उससे आपको रिटर्न मिलता है, एक सैलरी। करेक्ट। और अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा निवेश करते हैं, तो आपको, अगर ये कंपनी का ऐसा सिस्टम है, तो आपको आपकी सैलरी के अलावा भी इतना एक्स्ट्रा मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंसेंटिव। क्या बोलते हैं इसको? इंसेंटिव। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस कंपनी में कोई इंसेंटिव सिस्टम है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शुरू करवा सकते हैं। अकमल भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे पता है एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से करूं कि मुझे रिटर्न ज्यादा मिले। तो आप भी तो बिजनेसमैन ही हो, कुछ इस तरह का निवेश क्यों नहीं करते कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा मुझे कितना मिल सकता है? अरे दानवीर कर्ण तो यहां बैठा हुआ है, लुटाने के लिए तैयार। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पर वो वाली लूट नहीं ना। आजकल बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, बोले सर तो बोले थे लूट। मेरा कहने का मतलब यह है, इंग्लिश में लूट का मतलब गेन्स को भी लूट बोलते हैं, वो हिंदी में एक्चुअली इंडिया में उसका एक ये हो गया कि लूट मतलब गलत तरीके से इसको ये करना। मेरा कहने का मतलब यह है कि इट इज योर ओन बिजनेस, उस बिजनेस में आप अपनी इफेक्टिविटी इतनी बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी तो आप, एफिशिएंट तो आप हैं, एफिशिएंट नहीं रहते तो अभी तक जॉब पे नहीं रहते, यह भी मैं बता सकता हूं, एफिशिएंट तो आप हैं, पर लॉन्ग टर्म तक मैं ज्यादा रिटर्न कैसे ले सकता हूं, यह सोच रखना इज बीइंग इफेक्टिव। मेरे इस महीने की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ओवर टाइम करके कैसे मैं ज्यादा कमा लूं, इट इज एफिशिएंट, ठीक है, यू ऑल नो दैट, बट मैं अपने काम का स्वरूप, अपने रिटर्न्स में किस तरीके से करूं कि लॉन्ग टर्म तक मैं इंसेंटिव, यानी मैं सैलरी से ज्यादा अपना इंसेंटिव कैसे कमा सकूं, उसके लिए मैं क्या कर सकूं, वैसी सोच रखना इज बीइंग इफेक्टिव। आपको समझ में आया? यू टेक इट एज अ बिजनेस, मैं आप सबको बता रहा हूं, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, आपको बस ये सोचना है कि मेरी वजह से इस कंपनी की इनकम कैसे बढ़ सकती है, और डेफिनेटली देयर विल बी एन इंसेंटिव, देयर इज एन इंसेंटिव सिस्टम जो कि आपको मिलेगा। हां, पर आप बोलोगे कि नहीं, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, इफ यू ट्राई टू बी एफिशिएंट, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए,
तो ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। नहीं सर, मेरी 2000 रुपए सैलरी बढ़ा दीजिए। कितनी 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 कितनी? 2000 रुपए। तो एक बार सैलरी बढ़ गई 2000 रुपए। आपने 2 महीने बाद फिर बोला, सर मेरी 2000 सैलरी बढ़ा दीजिए। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब शायद शायद 2000 तो नहीं, अकमल जी दिलदार आदमी बोले चल ले चल जान दे। यू आर ट्राइंग टू बी एफिशिएंट, नॉट इफेक्टिव। चलो अकमल जी ने दिल पे पत्थर रखा। ठीक है, बढ़ा दी, अब 2000 बढ़ा दी। चलो स्टोरी में क्या है बोलो, क्या वेज बोर्ड बढ़ाता है? हाँ तो चलो वेज बोर्ड ने बढ़ा दी, करेक्ट। फिर 2 महीने बाद फिर आपके दिल में कुलबुलाहट सी उठी, बोले 2000 इस बार क्या क्या पड़ेगी इस बार? मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, राइट? देखो हंसी मजाक चल रहे, पर देखो यहां व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट फाइंड आउट। अब कम से कम 3 साल कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम 3 साल। एंड देन यू फील कि अरे उस कंपनी में तो 2500 ज्यादा मिल रहा है, यह भी एक इशू होता है उस कंपनी में तो। और आपको लगता है कि मैं ये कंपनी छोड़ के उस कंपनी में, तो एक तरह से आप धमकाते हो, एक तरह से आप कुछ, यू ट्राई टू बी एफिशिएंट। ठीक है, और दूसरी कंपनी में आप चले जाते हो और वहां पे शायद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल भी जाता है, पर समझ में आता है कि इस कंपनी में तो ये ए बी सी डी प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम बी प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम डी थे उस कंपनी में, इस कंपनी में तो ई एफ जी एच जे के एल एम एन। बोले 500 से बढ़ तो गया लेकिन डैश 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 डैश। अरे बाबा कंपनी तुम 10 बदल लो, आदमी तो वही है ना, इंसान तो वही है ना, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला है। जब तक इंसान नहीं बदलेगा, जब तक इंसान नहीं बदलेगा तब तक नौकरी बदल के कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। बिकॉज ऑल द टाइम यू आर वर्किंग ऑन द अर्जेंट, अभी के लिए बढ़ जाए, अर्जेंट अभी के लिए बढ़ जाए, अर्जेंट अभी के लिए बढ़ जाए, इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए बढ़े और बढ़ते हुए मिलते रहे, उसके लिए मैं क्या करूं, वहां पे ध्यान नहीं है। अपनी काबिलियत बढ़ाने पे ध्यान नहीं है। अपनी काबिलियत बढ़ाना अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं, क्योंकि अर्जेंट में सैलरी तो मिल ही रही है, पर तुमको लगता है मेरे को प्रमोशन दो तो मैं अपनी काबिलियत बढ़ाऊं। और अकमल भाई बोल रहे हैं तू अपनी काबिलियत दिखा तो मैं तेरे को प्रमोशन दूं। ठीक है, तो आप उतना ही काम करते हो कि अकमल भाई निकाल ना दें, तो अकमल भाई उतनी ही सैलरी देते हैं कि छोड़ के भाग ना जाए। तो बोले क्या बैलेंस है लाइफ में, बैलेंस अपना। डोंट सर्च फॉर बैलेंस इन लाइफ। इस स्टेज में, आपकी इस स्टेज में बैलेंस इन लाइफ मीन्स समथिंग इज ड्रास्टिकली रॉन्ग, आपकी ग्रोथ रुक गई है। डोंट सर्च फॉर बैलेंस, डोंट सर्च फॉर बैलेंस।
ऑलवेज सर्च फॉर क्रिएटिव इम्बैलेंस। आप में से कितने लोग विमान से यात्रा की है? नाउ सी व्हेन आई एम वॉकिंग, बहुत सीरियस बात है, अब परफेक्ट बैलेंस बना करके मैं आगे कैसे बढ़ू मुझे बताइए। अभी बराबर दोनों पैरों में बराबर वजन है, मुझे आगे बढ़ना है, क्या करूं मैं? एक पैर आगे बढ़ा बैलेंस बिगड़ता है ना मैडम। मुझे सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है, अब मैं क्या करूं मुझे बताइए। जंप करने के लिए तो भयंकर अपना बैलेंस बिगाड़ना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जंप नहीं करता हूं, मैं गिरने से बचता हूं, जंपिंग वो होता है। जंपिंग के लिए तो चलो मैं मान गया, जंपिंग के लिए तो बहुत भयंकर इंबैलेंस होना पड़ेगा कि उतने उससे आगे जाओ। मुझे उससे सिंपल तरीका बताइए, अब परफेक्ट बैलेंस है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्या करूं? मुझे इंबैलेंस होना ही पड़ेगा, अपना वजन इस पैर पे ज्यादा देकर पे इस पे कम करना पड़ेगा, पैर आगे बढ़ा करके यहां रखना पड़ेगा, अपना वजन अब इस पे कम करके इस पे बढ़ाना पड़ेगा और मेरा एक कदम पूरा होता है। डोंट सर्च फॉर बैलेंस इन योर लाइफ। पंछी का उड़ना, विमान का उड़ना, हमारा चलना इज अ कॉन्स्टेंट स्टोरी ऑफ क्रिएटिव इम्बैलेंस। अदरवाइज बैलेंस बना के खड़े रहो और आप में से अधिकतर के कैरियर के शायद के साथ शायद यही हो रहा है। बोले बैलेंस है, बैलेंस अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, यू हैव टू क्रिएट एन इम्बैलेंस। कार जब चलती है तो इधर मुड़ती इधर मुड़ती है, कार में भी एक लचीलापन होता है। जब हम चलते हैं दिस इज अ कॉन्स, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बट दिस इज अ कॉन्स्टेंट शिफ्ट ऑफ बैलेंस, दिस इज अ कॉन्स्टेंट शिफ्ट ऑफ बैलेंस। एक विमान जब उड़ता है तो कभी ऐसा कभी ऐसा, स्थिति के हिसाब से और कितना तेज उसको जाना है उसके हिसाब से। सर्चिंग फॉर बैलेंस इज बीइंग एफिशिएंट। Moving ahead by creative imbalance is being effective in the long run, क्योंकि आप कहीं पहुंचोगे। Is it clear to you? कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तभी अपने ठहरे हुए पानी में कुछ हलचल लाना, ठीक है। एक बतख भी जब तैर करके आगे जाती है अपने करंट सिचुएशन को उसको चेंज करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो बतख पानी में वहीं खड़ी रहेगी। पानी का बहाव कहीं ले जाए तो अलग बात है, पर वो पानी के बहाव पे डिपेंडेंट है, अपना खुद का उसका कोई एनर्जी उसमें नहीं है। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब आप सैटिस्फाइड हो, जब आपको, ठीक है, हम टाइगर में इसको एक कंप्लीटली अलग तरीके से सिखाते हैं, रॉक द बोट इन द मिडल ऑफ द सी हम बोलते हैं उसको, बट यहां पर मैं अलग तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको अपनी लाइफ में एक इंबैलेंस करना पड़ेगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा है कोई ना कोई नया कोर्स करना शुरू कर दो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अपग्रेडेशन। इट डजंट मैटर आपकी उम्र आज 22 साल है या 52 साल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप वो कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी, आपका रूटीन बिगड़ेगा, बट दैट टेम्पररी इम्बैलेंस इज नेसेसरी फॉर अ ग्रेटर बैलेंस ऑफ लाइफ। आप में से कितने लोगों की मम्मी है, मां है, कितने लोगों की मम्मी है? ओके, द फैक्ट दैट यू वर बॉर्न इज बिकॉज योर मदर वॉज एबल टू बियर अ ग्रेट इंबैलेंस इन हर लाइफ फॉर 9 months। अगर वो बोलती नहीं बैलेंस चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप कभी पैदा ही नहीं होते। और एक माँ, एक लेडी जिसको मां बनना है, एक मैरिड औरत जिसको मां बनना है, उसको वो 9 महीने का इंबैलेंस झेलना ही पड़ेगा। और फिर एक दिन वो बेबी होगा
और उस बेबी के आने से उसके लाइफ में एक बड़ा बैलेंस आएगा। उस फैमिली के बड़े बैलेंस के लिए जहां पर एक बेबी भी है, वो टेम्पररी 9 महीने का इम्बैलेंस, वो क्रिएटिव इम्बैलेंस झेलना ही पड़ेगा। और फिर वो बेबी 1 साल का हुआ, 1.5 साल का हुआ, अब दूसरा बेबी चाहिए। ठीक है, तो बोले मेरे दूसरा बेबी आएगा तो मेरे फैमिली में एक और प्रॉपर बैलेंस आएगा। तो उस और प्रॉपर बैलेंस के लिए सेकेंड स्टेज ऑफ इम्बैलेंस फिर से झेलना ही पड़ेगा। लाइफ इज नॉट अ स्टोरी ऑफ बैलेंस, लाइफ इज अ स्टोरी ऑफ क्रिएटिव इम्बैलेंस। क्रिएटिव वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप क्रिएट करते हो, सोच समझ के वो इम्बैलेंस आप लेते हो। करेक्ट है? तो ये सभी यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, अपने लाइफ में क्रिएटिव इम्बैलेंस लाइए। ये बैलेंस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा 2000 सैलरी हो सकता है, जिद करके बढ़वा लो, पर मैं बोलता हूं सिर्फ 2000, यही है ख्वाहिश आपकी? 2000 की ख्वाहिश है, 2000 बढ़वाना है, सिर्फ 2000, सिर्फ 2000। क्यों नहीं आप 5000 बढ़वा सकते? क्यों आपकी सैलरी 10000 नहीं, सैलरी प्लस इंसेंटिव 10000 नहीं हो सकती? क्यों आपकी सैलरी प्लस इंसेंटिव 20000 नहीं बढ़ सकती? क्यों आपकी सैलरी और इंसेंटिव 40000 नहीं बढ़ सकती? किसने रोका? किसने रोका? हां, पर ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। जिंदगी में अगर वो पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। और इनकम की, फेम की, रिकॉग्निशन की, सेटिस्फैक्शन की कभी कोई कमी आपको नहीं रहेगी। पर यहीं बैठे रहोगे और 2000 की जिद पकड़ लोगे तो ले 2000, 2000 छी थू, ये पैसे के प्रति मेरा असम्मान नहीं है, प्लीज डोंट गेट, मैं वो ख्वाहिश जो सिर्फ 2000 की उसको मैं थू बोल रहा हूं, पैसे का असम्मान नहीं कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैं थू जो बोल रहा हूं उस सोच को बोल रहा हूं जो 2000 से सेटिस्फाई भी हो गया। मैं आज डांट के जाने वाला हूं सबको यहां, क्योंकि अशरफिया ग्रुप का बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा विजन है, और ये 2000 में सेटिस्फाई होने वाले लोगों से नहीं होने वाला है ये। अरे यहां एक विजनरी बैठा हुआ है जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो हमने वो इस कंपनी के फाउंडर्स के सब फोटो देखे, उनके जो सपने रहेंगे ये होंगे। आप सोचिए वो सपने अगर अचीव होंगे, ये कंपनी बड़ी होगी, तो हमको क्या क्या नहीं मिलेगा? पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, सब मिलेगा। और ये कंपनी अभी ग्रो हो रही है, आज कुछ बन जाइए, इस कंपनी के आधार स्तंभ आप बन सकती हो। यू कैन बिकम अ फाउंडिंग पिलर ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि जब ये कंपनी बड़ी होगी और 1000 लोग और 5000 लोग और 10000 लोग होगा, जो 10000वां व्यक्ति होगा उसका उतना महत्व नहीं होगा जितना आज आपका हो सकता है, अगर आप कुछ ग्रो करके इस कंपनी को अगर आप बना लें। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू आर एन एम्बिशियस पर्सन, अगर आप बहुत एम्बिशियस व्यक्ति है ना, एम्बिशियस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है ना, अगर आप बहुत लाइफ में आगे जाना है ना, बहुत कुछ इच्छा कुछ कर गुजरने की है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू आर अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, ज्वाइन अ स्मॉल ग्रोइंग कंपनी एंड नॉट अ बिग कंपनी। आज अगर आप टाटा ज्वाइन करते हो तो यू जस्ट बिकम अ स्मॉल नट बोल्ट इन द ह्यूज इंडस्ट्री। You can never be a pillar in Tata if you join Tata today. आप pillar बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते, एक nut bolt से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं रहेगी। But if you join a smaller growing company like Ashrafia Group, like these people who are seated in front of me, आप एक आधार स्तंभ बन सकते हो
और कोई लिमिट नहीं कि आप कितना कितने बड़े इस कंपनी के पार्टनर बन सकते हो, कितने बड़े आप इस कंपनी में आप क्या बन सकते हो, और कितना आपका ओहदा, आपका रिस्पेक्ट, आपकी सैलरी, आपका इंसेंटिव, क्या अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है. बट फॉर दैट यू मस्ट वर्क ऑन द अर्जेंट, एंड यू मस्ट वर्क ऑन द अर्जेंट व्हेन देयर इज नो अपेरेंट नीड बिफोर, सॉरी, यू मस्ट वर्क ऑन द इंपॉर्टेंट बिफोर इट बिकम्स अर्जेंट. यू मस्ट वर्क ऑन द इंपॉर्टेंट बिफोर इट बिकम्स अर्जेंट. तो आज ही से शुरू हो जाइए. अशरफिया ग्रुप की क्या जरूरत है फ्यूचर की, उसको भांपते हुए अपने आप को तैयार कीजिए. आप में क्या हुनर है और इस हुनर की वजह से अशरफिया ग्रुप कितने हाइट पर जाएगा, कितने हाइट पर जाएगा, उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, ये सोचिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए. अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2000 की जिद मत पकड़िए. मेरी इनकम 2,00,000 कैसे हो सकती है, इस पे सोचिए, तब कुछ लाइफ का मजा है. बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट. नहीं तो फिर वही बैलेंस, बोले इतना ही काम करूंगी कि निकाल ना दें. बस यही हो रहा है शायद आज आपकी लाइफ में, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे. दिस इज वेयर, यहां पर जो है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक दोहा है जो कबीर दास जी ने लिखा, जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को बहुत खूबसूरती से बयां करता है. दुख में सुमिरन सब करें. डॉक्टर साहब, आप ही माई बाप हो डॉक्टर साहब, जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब. दुख में सुमिरन सब करें, और जब सब कुछ ठीक रहा वो डॉक्टर लुटेरा. मैं क्यों जाऊं वहां, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं होगा. अरे कुछ सिगरेट ही तो पीता हूं. सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो. हा हा हा, कितने इंटेलिजेंट लोग मेरे सामने हैं, सब टॉपर लोग, थ्योरी का पूरा ज्ञान है. इस दोहे में कबीर दास जी ने क्या कहा, छठवीं का क्वेश्चन है ना. इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं, ये सब आपने छठवीं में लिखा और 5 में से 5 नंबर लिए, अभी क्या हो गया. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड इंपॉर्टेंट. दुख में सुमिर, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई इज द इंपॉर्टेंट. जो सुख में सुमिरन करे तो भाई सर्विसिंग करवाते रहो तो गाड़ी खराब नहीं होगी, एक्सरसाइज करते रहो शरीर खराब नहीं होगा, आदतें ठीक रखो शरीर खराब नहीं होगा, हेल्थ चेकअप बीच बीच में कराते रहो, करेक्ट है. तो दुख का है को, ये दूसरी चीज. एंड अगेन, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब अपने 30 साल का विजन बना लेना. इज इट अर्जेंट? नो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं, इस मुद्दे पर आने के लिए. इतनी सारी स्टोरीज आपको मैंने सुनाई है. ठीक है, वी आर हियर टू डू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज ऑफ द विजन लॉन्च ऑफ अशरफिया ग्रुप, कि हम अगले 30 साल में क्या करने वाले हैं, क्या हमारा कोर पर्पस है, क्या हमारा कोर वैल्यूज है. ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहां पर एक स्टैंडी के रूप में रखे हुए हैं, उन पे आपका ध्यान मैं करना चाहूंगा. मोहतरमा नसरीन एहसान सिद्दीकी जी आप आए, जनाब फुजैल अहमद साहब आप आए, मोहम्मद अकमल सिद्दीकी जी आ चुके हैं, शबाना शेख जी आप आए, सरवत हुसैन जी आप आए, मोहम्मद फैजी जी आप आए, और बिल्किस राणा जी आप आए. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे एक एक ग्रुप जो सामने जो बैठे हुए लोग हैं, मैं ये देखिए सब पहुँचे हुए बिजनेसमैन हैं, जो ये सब उम्र में आपसे बड़े हैं, ये सब ओहदे में आज की डेट में आपसे बड़े हैं, शायद शिक्षा में भी सब जो है सब बड़े लोग हैं. यहाँ पर इन सब को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, सब बहुत बिजी लोग हैं.
हम सब जहां से ट्रेनिंग लेते हैं, जिस कंपनी से हम लोग सब जो है जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का नाम है स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम सब उसी के विद्यार्थी हैं। ऐसे स्मार्ट के दो मेंबर्स आज यहां पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही सम्मान के साथ में मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर रिव्यूअर मिस्टर विवेक शर्मा। और हमारे बीच में आई हुई है स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की एक और रिव्यूअर जो शर्मा जी से थोड़ी जूनियर है, मिस रुचिका। अब कमान अकमल जी आपके हाथ में है, अब अनावरण होगा हमारे विजन का। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है, ये अर्जेंट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी जो अब हो चुकी है, तब हमारे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है या तो वो एक कागज के रूप में रहेगा या फिर एक कार्ड के रूप में रहेगा, जिस भी रूप में आपके पास है, राइट। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा हम चिंतन मनन कर लें, ठीक है, कि कितनी गहरी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और लॉन्ग टर्म इफेक्टिविटी का अगर कोई एग्जाम्पल है तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपके हाथ में अभी रखा हुआ है। इसमें जो भी लिखा है कुछ भी अर्जेंट नहीं है। देयर इज नथिंग अर्जेंट इन दिस। वॉट एवर इज रिटन हियर, नथिंग इज अर्जेंट बट एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये अगर आपके पास में है तो हम सबसे पहले कोर पर्पस की बात करते हैं। कोर पर्पस यानी हमारा जीने का उद्देश्य। कोर पर्पस यानी अशरफिया ग्रुप आज क्यों अस्तित्व में है, अशरफिया ग्रुप क्यों सांसें लेता है, अशरफिया ग्रुप क्यों काम करता है, वो कौन सा उद्देश्य है जो अशरफिया ग्रुप प्राप्त करना चाहता है। तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे, नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे लिखी हुई है जो है कोर पर्पस, और उसमें सबसे पहले दो शब्द क्या है ये थोड़ा पढ़ के मुझे बताइए। सिर्फ पहले दो शब्द, टू प्रोवाइड, दैट्स ऑल। उसके आगे अभी मैं जाऊंगा ही नहीं, आपको समझ में आएगा इन शब्दों की गहराई। प्रोवाइड कौन कर सकता है? प्रोवाइड वही कर सकता है जिसके पास पहले से है। टू प्रोवाइड लाइफ चेंजिंग क्वालिटी सॉल्यूशंस टू इंडिविजुअल्स, लोगों को हम लाइफ चेंजिंग क्वालिटी सॉल्यूशंस दें। लेट मी टेल यू, ये चारों शब्दों की जो गहराई है ना इतनी ज्यादा है, और 2035 तक तो आप 25,000 करोड़ यानी कितने लोगों की लाइफ चेंजिंग कैपेसिटी आपके अंदर में होनी चाहिए। टू इंडिविजुअल्स एंड टू अचीव सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड टू अचीव, ये हम देंगे और अचीव क्या करेंगे, सेल्फ सस्टेनेबल। अब ये बहुत गहरे शब्द हैं। सेल्फ सस्टेनेबल का मीनिंग क्या है? हमारी कंपनी अपने आप ग्रो होगी,
पर कंपनी ऐसी स्थिति में लाना कि जहां वो अपने आप ग्रो हो, ये बहुत 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 बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा बीड़ा है जो अकमल जी की लीडरशिप में ये कंपनी जो है वो हासिल करेगी। सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ भी कंपनी के सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएगा। टू अचीव सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ ऑप्टिमिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या, आशावादी तरीके से कि आगे हम इतनी दूर तक जाएंगे, और उतनी दूर इस कंपनी को ले जाने के लिए हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि सिर्फ एक नौकरी के रूप में अपने जॉब को ना देखें, जो उस अशरफिया ग्रुप जो कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उस मुर्गी को हेल्दी बना के रखें, उसको आगे बढ़ाएं, सोने का अंडा लगातार मिलता रहेगा। इज इट क्लियर? और उसको बनाने के लिए ये हमारा कोर पर्पस है। जब आप लाइफ चेंजिंग क्वालिटी सॉल्यूशंस देंगे, मुर्गी और हेल्दी होगी। जब आप क्वालिटी सॉल्यूशंस देंगे, मुर्गी और भी हेल्दी होगी। जब आप इंडिविजुअल्स को सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पे जब वो जाएंगे तो मुर्गी और हेल्दी होगी, और सोने का अंडा मिलता रहेगा। पर अगर आप शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए अगर क्वालिटी सॉल्यूशंस नहीं देते हैं और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उस दिन का अंडा तो मिल जाएगा, बट याद रखिए, यू आर इंज्योरिंग दी मुर्गी। जब जब आप क्वालिटी सॉल्यूशंस नहीं देते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब जब आप लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस नहीं देते हैं, आप उस मुर्गी को इंज्योर कर रहे हैं, और इंज्योर्ड मुर्गी अंडा नहीं देगी या फिर अच्छा अंडा नहीं देगी, यह जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अब ये पूरा कंटेक्स्ट आपको समझ में आया आज के टॉक की जो मैंने शुरुआत की थी? दिस इज नथिंग अर्जेंट बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपकी मुर्गी को और हेल्दी बनाएगी। और उसके लिए हम कुछ हमारे कोर वैल्यूज हैं। अशरफिया ऑलवेज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या, ऑलवेज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या फर्क है जिम्मेदारी स्वीकार करना और जिम्मेदारी लेना, इसमें क्या फर्क है? यस प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम अपने से आगे बढ़ के जिम्मेदारियां लेते हैं। ओके। ना कि हम पर जबरदस्ती या दिया जाता है, मजबूरी में नहीं, खुद से बढ़ के लेना। खुद से बढ़ के तालियां एक बार जोरदार। स्वीकार तो बेटा करना पड़ेगा नौकरी करना है तो। अगर नौकर अगर हो मतलब अगर नौकरी कर रहे हो और नौकरी की मानसिकता है तो तुम नौकर हो। अगर बोलते हो मैं नौकरी करती हूं तो आप नौकर हो। अपने आप को क्या ओहदा देना यह आपके ऊपर है, क्योंकि नौकर जिम्मेदारी स्वीकार करता है। डिसाइड करो नौकर हो कि उभरते हुए मालिक हो इस कंपनी के। क्या करते हो? नौकरी करता हूं सर। तो रह नौकर फिर जिंदगी भर। मैंने नहीं बोला, ये तुमने बोला, नौकरी करता हूं। यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा डांट रहा हूं आज, पर मैं कोई यहां दोस्त बनाने नहीं आया हूं। जो खरी खरी है वो मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आपका भला चाहता हूं। अच्छी अच्छी बातें करके मैं भी जा सकता हूं यहां से, बट आई रिस्पेक्ट दिस मैन एंड आई रिस्पेक्ट ऑल दीज पीपल, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी ली है एक कंपनी बनाने की। आप क्यों नहीं ले सकते जिम्मेदारी? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ऑल्सो एक्सेप्ट द सैलरी विच कम्स विद इट। कभी कभार थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 500 रुपए, 1000 रुपए, अगर वही तुम्हारा सपना है कि रिटायर होने तक 20-30 हजार हो जाए, तो वो सपना तुम्हारा हो जाएगा, वो फुलफिल हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं जानता हूं ऐसे सपने, इतने छोटे सपने वाले सपने देखने वाले नौकरी ही करेंगे। इस कंपनी को नौकरी करने वालों की नहीं, जिम्मेदारी लेने मालिकों की जरूरत है, लीडर्स की आवश्यकता है।
ये आदमी तैयार बैठा है यहाँ पर, आपको कुछ करके दिखाना है, ये इसका एडवांटेज लेना है। समझ में आया? एक एक वर्ड की गहराई समझ में आई, इस कंपनी की सोच समझ में आई आपको? सिर्फ ये एक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना गहरा शब्द है आपको समझ में आया? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आस्क हिम टू टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो ले ही रहे, पर हर जिम्मेदारी इन्हीं को लेनी पड़े तो आपको तो बस स्वीकार करने का ही आपके पास रोल रहेगा। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज देयर टू हेल्प यू। अशरफिया ऑलवेज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अशरफिया ऑलवेज चैलेंजेस लिमिट्स, ऑलवेज चैलेंजेस लिमिट्स। अगेन ये इसी का दूसरा रूप है। आप ही लोग आपस में बात, नौकरी है ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ेगी तनख्वाह, होती है कि नहीं होती है बात? नौकरी है ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ेगी, आप ही ऐसी नेगेटिव बात करोगे, वाकई नहीं बढ़ेगी, वाकई नौकरी में कितनी तनख्वाह बढ़ेगी? पर आपने तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया ना, नौकरी लिमिट है ना, इससे ज्यादा कहां बढ़ेगी, किसने बोला? हाँ, नौकरी की मानसिकता है तो उतनी रहेगी। अगेन सेकंड लिमिट में क्या है, ऑलवेज चैलेंज लिमिट्स। मैं आप में से एक एक व्यक्ति को बोल रहा हूं, आपके सैलरी और इंसेंटिव का कोई लिमिट नहीं है, पर यह आप पे निर्भर करता है। अरे कंपनी में पैसा आएगा तब तो आपको मिलेगा ना, कहां से आएगा पैसा, कैसे मिलेगा आपको, मुझे एक बात बताइए। बड़ी सिंपल सी चीज है जो एक बच्चा भी जानता है, कंपनी में पैसा आएगा, कंपनी में इनकम बढ़ेगी तब तो आपकी इनकम बढ़ेगी ना। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जिम्मेदारियां लेना है कि जिससे इस कंपनी की इनकम बढ़े, इस कंपनी का टर्नओवर बढ़े, और उसका एक हिस्सा आप लेके जाइए, खुशी से लेके जाइए, यहां बैठा है तैयार आदमी देने के लिए। पर आप बातें अगर ऐसी करोगे कि एक नौकरी पेशा आदमी की कितनी तनख्वाह रहेगी, तो वो सही है, आप जो भी सोचो आप सही हो। आप सोचते हो एक नौकरी पेशा आदमी की तनख्वाह कितनी रहेगी तो सही है, और अगर आप सोचते हो नहीं मैं अपनी इनकम कितनी भी बढ़ा सकता हूं, वो भी सही है। आपके ऊपर है कौन सा नजरिया अपनाना है, अपना लो। नौकरी मत करो, नौकर मत बनो, मालिक बनो। नंबर थ्री, अशरफिया ऑलवेज थ्राइव्स टू एक्सेल, थ्राइव्स टू एक्सेल। एक्सेल मतलब क्या, एक्सेल मतलब क्या, थ्राइव्स टू एक्सेल, एक्सेल मतलब क्या? गाड़ी में एक होता है ना एक्सीलरेटर होता है ना, जिसको हम लोग एक्सीलेटर बोलते हैं बड़े शान से। गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है ना, वो क्या करता है, एक्सीलरेटर को दबाने से क्या होता है, गाड़ी आगे तो बढ़ती है, एक्सीलेटर दबाने से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। एक्सेल मतलब स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। विमान जब टेक ऑफ कर जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, जमीन पे उतनी स्पीड से वो नहीं दौड़ सकता, उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है बाद में। ऑलवेज थ्राइव्स टू एक्सेल, अभी की जो स्पीड है ना, ये स्पीड 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अभी ये स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने वाले लोग हमको नहीं चाहिए, स्पीड को बढ़ाने वाले लोग चाहिए। समझ में आया? दिस आर आवर कोर वैल्यूज, ये वो धर्म है जिसका हम पालन करेंगे। कोर वैल्यूज यानी वो धर्म है हमारा, हमको धर्म बताता है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर्म मतलब एक जीने का तरीका होता है ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, यहां पे सब धर्म के लोग बैठे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कोई ईसाई भी यहां बैठे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म यानी एक ऊपर वाले का संदेश है कि ऐसी अपनी जिंदगी जियो तो यह धर्म है, ऐसी जिंदगी जियोगे तो पाप है, है कि नहीं? धर्म जीने का तरीका है। हमारे अशरफिया का क्या धर्म है? अशरफिया मुसलमान है क्या? अशरफिया क्रिश्चियन है क्या? अशरफिया हिंदू है क्या? पारसी है क्या? अशरफिया का अपना धर्म है, और वो धर्म यह है कि वी ऑलवेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ये हमारा धर्म है। अगर मैं अशरफिया में हूँ तो मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान, मैं न क्रिश्चियन न ईसाई, मेरा धर्म वो है जो ये कहता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं अशरफिया में हूं तो मेरा धर्म वो है जो कहता है चैलेंज द लिमिट्स। अगर मैं अशरफिया में हूं तो मेरा धर्म यह है जो कहता है थ्राइव टू एक्सेल, स्पीड बढ़ाओ। फिर मैं गणपति बाप्पा को पूछता हूं या अरबी की आयतें पढ़ता हूं वो मेरे घर में अशरफिया में, यह हमारा धर्म है। वहां अरबी की आयतें पढ़ के वहां पे 10-10 घंटे पूजा करके यहां पे अगर ये नहीं करते हो ना तो सबसे बड़े अधर्मी हो तुम। दिस, ये हमारा धर्म है। तो धार्मिक बनो, अधर्म का पाप क्यों लेना? बिग हेरी ऑडेशियस गोल, मतलब माउंट एवरेस्ट गोल। लाइफ में गोल्स होने चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि लाइफ में कोई गोल्स होने चाहिए? ओके, फुटबॉल कितने लोगों ने खेला है? फुटबॉल कितने लोगों ने देखा है? दोनों तरफ क्या होते हैं? अगर हम एक ऐसा मैदान बनाए, बोले खेलो रे खेलो, कोई गोल नहीं, खेलो खेलो, ऐश करो, कोई जीतेगा नहीं कोई हारेगा नहीं, खेलो ऐश करो, जम के खेलो, खेलो बेटा खेलो, कोई गोल ही नहीं है। आप वो मैच देखने जाओगे क्या? क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे उस मैच को देखने जहां पे कोई गोल ही नहीं है? राइट right? बस तो ऐसी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं जिसका कोई गोल ना हो। और अगर ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसका कोई गोल ही नहीं तो कितने लोग आपकी जिंदगी को देखने आएंगे यह भी समझ लो। फिर आप उस फुटबॉल मैच की तरह हो जहां पे कोई गोल ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद मतलब क्या? कुछ अचीव करना है, कुछ मिलेगा, कुछ हासिल करने की चाहत है। ये गोल ही हमको आगे लेकर के जाता है, वो गोल ही हमको वो विजन देता है। वो फुटबॉलर कैसे भी खेल रहा हो उसकी एक नजर गोल के ऊपर हमेशा रहती ही है कि क्योंकि उससे उसको उसकी दिशा मिलती है, खेल की दिशा मिलती है, डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। एक होती है दिशा और एक होती है गति। ये कागज हमको हमारी सबसे पहले हमारी दिशा बताता है, बिकॉज वर्किंग ऑन स्पीड इज एफिशिएंसी, वर्किंग ऑन डायरेक्शन इज बीइंग इफेक्टिव। बहुत भयंकर गेंद को तेजी से आगे बढ़ा के लेके जा रहा हूं, पूरा हुनर इस्तेमाल करके गेंद को तो बड़ी तेजी से आगे निकाल, पर अपने ही गोल की तरफ जा रहा हूं, उस स्पीड का कोई मतलब है क्या? और शायद हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी और कंपनी ऐसी चलाते हैं, अपना कैरियर ऐसी चलाते, स्पीड तो है पर कहां जा रहा हूं, फिर अपने ही गोल में बॉल घुस जाती है और लोग हंसते तो बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऊपर वाले ने कितना जुल्म किया मेरे साथ। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोल। दिशा स्पीड से, दिशा गति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। और हमारा डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में हम जा रहे हैं? टू क्रिएट अ रिच लिगेसी। एक बहुत महान स्टोरी, सक्सेस स्टोरी हमको बनाना है, और 25,000 करोड़ इस कंपनी की आय होगी, वार्षिक आय होगी, टर्नओवर होगा 25,000 करोड़। यह हमारी दिशा है। मुझे नहीं पता आपने कितनी शिक्षा ली है, या आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट है, मुझे नहीं पता, या आपके पास बीएससी का सर्टिफिकेट है, होगा, या आपके पास एमएससी या एमए का या एमकॉम का सर्टिफिकेट है, होगा, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आज से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम सब की जिंदगी का ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो मेरे एमएससी के डॉक्यूमेंट को कोई मीनिंग प्रदान करता है।
क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो मेरे 12वीं के सर्टिफिकेट को कोई मीनिंग प्रदान करता है, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट है जो मेरे एमकॉम के सर्टिफिकेट को कोई दिशा प्रदान करता है, कोई मीनिंग प्रदान करता है। 25,000 करोड़ मल्टी फैसेटेड ग्रुप, मल्टी फैसेटेड है ना, अलग अलग टाइप के हमारे बिजनेसेस रहेंगे। आज ही तो हमारा इतना मल्टी फैसेट है, हमारा MSC है यानी एजुकेशन ग्रुप है, इस्लामिक वर्टिकल हमारा है मदरसों का, फिर हमारा एकेडमिक वर्टिकल है, ये मल्टी फैसेटेड ऑलरेडी हम है, एकेडमिक यानी AGI, देन उम्मीद हमारा वेलफेयर वर्टिकल है, वेलफेयर का काम हम करते हैं, अस्मी वेंचर्स बिजनेस वर्टिकल हमारा ऑलरेडी है, ये मल्टी फैसेटेड ग्रुप ऑलरेडी, और हम मीडिया में भी है, मीडिया वर्टिकल भी है, हमारा मीडिया चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, तो डेफिनेटली ये सब कार्यक्रम कल वो चैनल में आएगा, शायद आज ही आएगा, राइट। तो ये हमारा मल्टी फैसेटेड ग्रुप है, और हमारा ब्रांड प्रॉमिस 3D, ठीक है, 3D डिसिप्लिन डेडिकेशन डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डेडिकेशन मतलब लगन समर्पण, डेडिकेट कर देना, समर्पित कर देना, बोलते हैं ना उस पुल को डेडिकेट कर दिया, नेशन को समर्पित कर दिया, देश को समर्पण, और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता, बहुत खूबसूरत, डिसिप्लिन डेडिकेशन डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, एक पानी उबलता है ना तो भाप बन के उड़ जाता है, उड़ जाता है ना, क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इज नथिंग बट डिसिप्लिन। एक भाप बन के पानी उबलता रहता है, हवा में उड़ जाता है, उसी भाप को जब दिशा दे देते हैं, उसी भाप को एक जब डिसिप्लिन चैनल से गुजारते हैं तो पूरा एक स्टीम इंजन चला देता है वही भाप, ठीक है। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन, एक दिन में सैलरी 50,000 से नहीं बढ़ती है भाई, लेकिन एक दिन जरूर बढ़ेगी। हम इंपॉर्टेंट पे काम तो करें, ये अर्जेंट में नहीं होता, ये हम इंपॉर्टेंट पे काम तो करें, एक दिन जरूर होगा, वो डिटर्मिनेशन हमारे इसमें रहे। कई बार हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट हमको नहीं मिलता, पर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कई बार करने कुछ जाते हैं कुछ और हो जाता है, पर डिटर्मिनेशन तो होना ही चाहिए। कई बार जो जैसा जैसे रिजल्ट्स की उम्मीद हम करते हैं वैसी उम्मीद हमको नहीं मिलती, पर डिटर्मिनेशन तो होना ही चाहिए। तो ये हमारा जो कोर, हमारी ब्रांड प्रॉमिस है, ये हमारा धर्म है, इस धर्म का हम पालन करके इस महान उस सीढ़ी तक, वो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है 25,000 करोड़ तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं अभी, उस वीडियो को आप देखिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि इस वीडियो में जो गाना चलेगा वो आपका एंथम है, आपकी कंपनी का एंथम है, हो सकता है ये आपने कभी देखा होगा वीडियो, लाइट ये I'm not afraid to die.
न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा अगर आग लगी हो से। और ये आग धधकती रहे उस स्टीम इंजन के अंदर में, वो कोयले की आग धधकती रहे, रास्ता कठिन है, 25,000 करोड़ ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए जिम्मेदारी लेने वाले हमको चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। रास्ता हमको मिलेगा, रास्ता हमको मिलेगा, कभी भटकना पड़ेगा, कभी टूटना पड़ेगा, कभी गिरना पड़ेगा, कभी कोई आकर के कंप्लेंट करेगा, कभी कोई बड़ा नुकसान होगा, कभी दिल टूटेगा, हर तरह की चीजें होंगी, कभी महान सफलताएं भी मिलेंगी, कभी कोई आशातीत सफलता नहीं मिलेगी, सीखने को मिलेगा, कभी कोई बड़ी हार होगी तो कभी कोई बड़ी जीत होगी, बड़ी जीत चाहिए तो बड़ी हार का सामना करना ही पड़ेगा, उसके लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा, घर से निकलना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। और आपको यहां पे जितने आप लोग बैठे हुए हैं, आपको कोई पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, वो पैसा इन्होंने लगा है, वो रिस्क इन्होंने लिया है। इन्वेस्टमेंट 5 तरह के होते हैं, खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय। अगर कोई बड़ी चीज हासिल करना है तो खून का इन्वेस्टमेंट लगता है, खून यानी जो नुकसान होता है, जो तकलीफ होती है, उस खून का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पसीने का इन्वेस्टमेंट लगता है, पसीना मतलब मेहनत करना पड़ता है। तीसरा पैसा, ऑफ कोर्स पैसा तो लगाना ही पड़ता है, और वो इन्होंने लगाया है। आंसू, जब दिल टूटता है वो आंसू का इन्वेस्टमेंट लगता है, वो जब दिल का टूटना, वो आंसू का बहना। एक एंटरप्रेन्योर अकेले में आंसू बहाता है, बाकियों को पता नहीं चलता। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां अपने दिल के अंधेरे कोनों में लड़ी जाती हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर को ही पता होता है जो पैसा लगाता है, उसका आंसू, खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय का निवेश करना पड़ता है। इन्होंने खून, पसीना, पैसा, आंसू, समय सब का निवेश किया। आप पैसे का निवेश मत करो, आप खून, पसीना, आंसू और समय का तो निवेश कर सकते हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो। सिर्फ अपना शरीर लेके काम पे मत आइए, शरीर के साथ दिमाग भी लेकर के आइए। कुछ लोग सिर्फ शरीर लेकर के आ जाते हैं ड्यूटी बजाने, लो ये बॉडी पहुंच गई अब काम करवा लो। ये लोग जिम्मेदारी स्वीकार करने वाले लोग होते हैं, पहुंच गया वही 10 बजे से 5 बजे तक मेरी ड्यूटी है, बॉडी पहुंच गई काम करवा लो, ये वहां से उठा के वहां रखना है वो रख दे। ये दीस पीपल ओनली टेक देयर बॉडीज टू वर्क। कुछ लोग होते हैं जो पैसे के साथ अपना दिमाग भी लेकर के जाते हैं, मतलब उसको अगर लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है। जो सिर्फ शरीर लेके जाता है ना, वो बैठ के ऐसे देखता रहता है, कुछ गलत भी हो रहा है मेरे को क्या, ड्यूटी पे नहीं आया तो भगा देते हैं ना, इसलिए ड्यूटी पे आया। वो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाता है कि भाई कैसे और बेहतर काम हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो शरीर भी लेके आते हैं, दिमाग भी लेके आते हैं, साथ में दिल भी लेकर के आते हैं। नहीं, खून, पसीना, आंसू भी कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ नुकसान हो ना इनको दुख होता है ना, वर्कलोड में कमी आ जाए ना इनको दुख होता है। जो सिर्फ शरीर लेके आता है ना, बोलते हैं यार मस्त है, आज कोई ग्राहक नहीं है, वाओ वाओ वाओ। ऐसे भी होते हैं एम्प्लॉयज जिनको बड़ी खुशी होती है आज काम ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं, होते हैं बिलीव मी, जिनको अपार खुशी मिलती है, फेस्टिवल सीजन है ना अभी, बड़ा कम वर्कलोड रहेगा। और कुछ लोग होते हैं जो शरीर तो लेके आते ही हैं, खून, पसीना, आंसू और समय इन्वेस्ट करते हैं, जो शरीर तो लेकर के आते ही हैं, जो अपना दिमाग भी लेकर के आते हैं, साथ में अपना दिल भी लेकर के आते हैं, जो चाहते हैं दिल से कि ये कंपनी ग्रो हो, और साथ ही साथ
माइंड बॉडी हार्ट एंड स्पिरिट, अपना स्पिरिट अपना अध्यात्म लेकर के आते हैं, अपना जीना और मरना कंपनी के जीने और मरने के साथ में जोड़ देते हैं। उनको पता है कि कंपनी जिएगी तो मैं जीऊँगा, कंपनी ग्रो होगी तो मैं ग्रो होऊंगा, मेरे मरने के बाद इस कंपनी में मुझे कैसे याद किया जाएगा, मेरे मरने के बाद इस कंपनी तो 500 साल तक चलेगी, मेरे योगदान को किस तरीके से याद किया जाएगा, उस भावना को भी लेकर के कुछ लोग ड्यूटी पर आते हैं। और ऐसे लोग उस कंपनी के आधार स्तंभ बनते हैं। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। बाहर तो निकलो, कुछ कोशिश तो करो, कोई एक नया कोर्स तो ज्वाइन करो, कुछ अपना स्किल कुछ हद तक तो बढ़ाओ। अरे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी सीखो, कंप्यूटर नहीं आता, कंप्यूटर सीखो, किसने रोका तुमको, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। नौकरी मत करो, पर तुमको तो जो है कि भाई मेरे को, मैं कंप्यूटर कोर्स क्यों करूं, मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, मेरी ट्रेनिंग कराओ तो मैं करूं ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग का भी पैसा दो मेरे को तो मैं ट्रेनिंग करूंगी, मैं क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। देन अकमल भाई इज वेरी राइट, मैं सैलरी क्यों बढ़ाऊं। अरे कोई खैरात खाना खोल के रखा है क्या इन्होंने, ट्रेनिंग सेंटर, कि आओ सीखो और जाओ। अरे चैरिटी हम खुद करें, फिर खुद कमाए तब तो चैरिटी करेंगे ना। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेंड योर ओन मनी, जाके इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, पर्सनालिटी, अपना पैसा खर्च करके सीखो, उस निवेश का तुमको 100 times रिटर्न इस कंपनी में मिलेगा। सब कुछ अकमल भाई करें तो जितना उनका सामर्थ्य है वो कर रहे हैं। ये आज के कार्यक्रम की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, बट ही बिलीव्स इन इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट अर्जेंट, और इसीलिए मैं यहां पर हूं और आप लोग सब यहां पर हैं। मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, हमारे ग्रुप का विजन लॉन्च करने के लिए और उसे इतने अच्छे तरीके से हम सभी को समझाने के लिए। अब टाइम आ गया है केक कटिंग सेरेमनी का, और बिना केक कटिंग के तो कोई कार्यक्रम कंप्लीट होता ही नहीं है। तो मैं आप जितने भी हमारे इन्वाइटिस गेस्ट हैं, अजय शेष सर जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, हमारे रिसोर्स हेड्स वर्टिकल्स, आप सभी प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा है, हमारे अशरफिया ग्रुप का फर्स्ट विजन लॉन्च हो रहा है, साथ ही हम 6th अस्मी फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज हम सभी यहां पर टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। People who dream of achieving great in their life, while others like Ashrafya Group stay awake and make them possible. जी हाँ ladies and gentlemen, बहुत ही सही कहा गया है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
अब हमारे ग्रुप के रिसोर्स हेड को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आएँ और हमारे जितने भी इनवाइटीज हैं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें. सर एंड मैम प्लीज कम ऑन स्टेज. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासतौर से मेरी बड़ीज़ का जिन्होंने मेरे कार्यक्रम को आज आके चार चांद लगाए, हालांकि चार नहीं 15-20 चांद हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया. सो एज अ वोट ऑफ थैंक्स, एज अ थैंक यू गिफ्ट, मैं आप लोग को एक मोमेंटो देना चाहता हूँ, तो मैं एक एक करके आप लोग को इन्वाइट कर रहा हूँ. प्लीज़ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्वाइट अजय शेष सर फॉर अ ब्यूटिफुल स्पीच एंड फॉर अ मेमोरेबल डे फॉर अस. थैंक यू सर. अंकल नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट विवेक सर. और विवेक सर के लिए आज मैं स्पेशली एक अलग हमारी संस्था की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे. आपने जो अभी ये 3D सुना, इस ब्रांड प्रॉमिस को डिराइव करने के लिए, हालांकि पूरा कोर आइडियोलॉजी सर के साथ हमने बैठ के डिसाइड की थी और पूरे स्टाफ का इसमें इनपुट था, लेकिन स्पेशली जो ब्रांड प्रॉमिस है ना, ये हमको विवेक सर ने दिया है और ये हमारे दिल के बहुत करीब है. थैंक यू वेरी मच सर. A small gift from Ashrafia family, sir. Thank you, okay, thank you, Ashrafia Group. और आपको विजन के लिए काम करना है. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to from lines में बुलाना चाहूँगा नितिन भैया. A few words from नितिन भैया. Vision, आपका successful हो और उसमें हमारी जो भी सहभागिता बने हमेशा हम तैयार हैं. थैंक यू. सर आपका जो विजन है आपका है, साथ ही साथ हमारे पूरे बडीज का है, टाइगर्स का, तो हमारे बडीज आपके विजन के साथ है. थैंक यू. स्मॉल वोट ऑफ थैंक्स. थैंक यू वेरी मच. आपका विजन सक्सेसफुली उस दिशा तक पहुंचे, यही मेरी शुभकामना है. थैंक यू. विकास जी. कॉन्ग्रेचुलेशन एवरी वन. ऑलवेज बिलीव टू बी इफेक्टिव फॉर द कंपनी, फॉर योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच. नितेश भाई. बहुत बहुत बधाई अकमल भाई की हो, ढेरों ढेर शुभकामनाएं हमारे पूरे टाइगर बडीज की ओर से. थैंक यू. अशरफिया ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई. आज विजन लॉन्चिंग का प्रोग्राम अजमल भाई ने रखा आप लोगों के लिए. लॉन्चिंग इतनी अच्छी है तो गोल कितना अच्छा होगा, यही मैं सोच रहे थे. मैं और सुनील भाई बैठ के बात किए. वाकई बहुत ही अच्छा दिन है आप लोगों के लिए. आप साथ दीजिएगा विजन तक पहुँचने के लिए. अशरफिया ग्रुप को बहुत बहुत बधाई. मैं टीम के मामले में बहुत लकी हूँ, मेरी पूरी टीम मेरे साथ हमेशा ही साथ देती है. मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसी वजह से हम ये विजन लॉन्च आज कर भी पा रहे हैं. आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये आप सब के लिए भी है. हर कोई अपना विजन नहीं बना पाता और आप इस टीम में हैं तो आप इन विजन के साथ जुड़ जाइए. और हम लोग तो अपने सोर्सेस से जहां भी रहेंगे आप लोगों के विजन के साथ रहेंगे. आप सबको ढेरों शुभकामनाएं. धन्यवाद. गौतम भाई. अकमल सर और अशरफिया ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद विजन लॉन्च के लिए. सर का जो आज विजन लॉन्च हुआ इसमें जो भी हेल्प हो हम सब लोग एक साथ करके सर का विजन को पूरा पहुंचाना है उनके विजन तक.
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबकी साथ की जरूरत तो पड़ेगी। अशरफिया ग्रुप को धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात है विजन लॉन्च करना, हर एक बस की बात नहीं होता, और इतनी बड़ी आप लोग का सहयोग जो सर को हमेशा मिला है, अकमल सर को, मैं चाहूँगा आप सब लोग, पूरी उनकी टीम, जो उनका विजन है 25,000 करोड़, आप सब लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चले, यही शुभकामनाओं शुभकामना के साथ बधाई देता हूँ सर को। अकमल जी से मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी तो मैं इनके ऑफिस में गया था मिलने के लिए जब इनसे, तो ये विजन आज लॉन्च इन्होंने ज़रूर किया, लेकिन विजन बहुत पहले से इनके दिमाग में ये चल रहा है, ये मुझे पता है। और आज इन्होंने लॉन्च करके इसको, जो हमेशा बात करते हैं कि प्राइवेट प्रेशर और पब्लिक प्रेशर, तो आज ये पब्लिक को पता चल गया, तो ये हासिल तो अब तो करना ही है। और हम सब साथ में, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अशफिया परिवार को। थैंक यू सो मच। Few words from congratulations sir, ma'am and सारी टीम को अशरफिया ग्रुप के, and I think आपका जो पाथ दिया है कोर पर्पस और कोर वैल्यू के थ्रू, आप वो एक गोल जो पाथ दिया है गोल के लिए आपके बिहाग वो आप अचीव करें, ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेट्स अशरफिया ग्रुप एंड वी विश यू टू अचीव योर गोल। थैंक यू वेरी मच। अंकित भाई, कॉन्ग्रेट्स अकमल जी, और ये एक टीम वर्क है, आप सबको इस गोल के लिए एक टीम की तरह रह के मेहनत करनी पड़ेगी। अशरफिया ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अचीव करें। वैसे भी अकमल जी के जो विजन है उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे ग्रुप के बेस्ट इम्प्लीमेंटर हैं। पहले कुछ लेने से पहले मैं इनको दूंगा पहले। एक्चुअली यहाँ आते वक्त मैं सोच रहा था अशरफिया का मतलब क्या होता होगा, मैंने गूगल किया तब मेरे को पता चला अशरफिया हैज नथिंग टू डू विद अशरफी। मैं सोच रहा था पैसे से रिलेटेड कुछ है, उसका मतलब होता है नोबल, और वो जो चीज़ है, वो जो ट्रेड है, इनमें कूट कूट के भरी है। ही इज़ अ थरो नोबल मैन, आप इनको सेलिब्रेट करिए, इनके जैसा लीडर आपको नहीं मिलेगा। और फिर मेरे को वही लगा कि चलो अशरफिया तो ठीक है, अस्मी का भी कुछ मतलब होता होगा, फिर वो भी मैंने देखा तो अस्मी का मतलब मेरे को लगा सेल्फ प्राइड। तो शबाना जी बहुत ही रिस्पेक्टेड वुमेन है, और आप जितनी भी औरतें हैं उनको रोल मॉडल मानिए, एंड शी विल टेक यू फॉरवर्ड। और इसी विशेष के साथ मैं चाहता हूं कि अशरफिया ग्रुप को, जिसका मतलब नोबल होता है, उसको नोबल प्राइज मिले। थैंक यू। सबसे पहले मैं अकमल भाई को गले मिल के बधाई दूंगा, और उनको हमारे सारे बडीज की तरफ से एक गुड लक देना चाहता हूं। अपने सपनों को ख्वाब दो, अपने सपनों को ख्वाब दो, मेहनत को सफलता की आवाज़ दो, यकीन मानिए दिन बदलेगा, अशरफिया ग्रुप बदलेगा, ऐसी रोज अपनी सुबह को आवाज़ दो। थैंक यू। हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा शायरी इन्हीं के पास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अशरफिया ग्रुप और अकमल जी को, और आशा करता हूं कि आप सभी टीम इनके जो विजन है उसको साकार करने में उनका हमेशा साथ दे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित भैया, मैं अकमल जी के बारे में इतना बोलना चाहता हूं कि हमारे जो ईजी गुरुकुल जो हम लोग कर रहे हैं उस क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं, और जो प्लान जो है हम लोग बनाते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बना के लाते हैं, उसमें सबसे टिपिकल प्रेजेंटेशन और सबसे अच्छा इन्हीं का रहता है जी।
बहुत ही बढ़िया है और हम लोग साथ में टाइगर बैच भी कर रहे हैं। टाइगर में भी बैच ख़त्म होने के बाद भी इनिशिएटिव ले करके हम लोग का मीटिंग कराना, ये सब में काफ़ी आगे रहते हैं। और मैं जानता हूं कि आपके अंदर जो इतनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है वो आपके टीम में भी ज़रूर आएगी और आप समय से पहले अपना 25,000 करोड़ का जो है जो सपना है वो पूरा करेंगे, साथ में आपका सरफिया ग्रुप बहुत आगे जाए, ये हमारी शुभकामनाएँ हैं। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक टू अशरफिया ग्रुप, आप लोगों की जो मेहनत है वो दिख रही है और उम्मीद है कि यकीनन आप लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे, शायद 1-0 और बढ़ भी जाए। थैंक यू। इसके साथ ही मैं हमारी राजनांदगांव हेड, हमारी अस्मि की वाइस चेयरपर्सन परवीन खान जी को बुलाना चाहूँगा, आप आइए। अभी आपा की कोशिशों से हमारा जो निकी की दीवार राजनांदगांव स्टार्ट हुई है और इसके साथ अशरफिया नांदगांव में भी शुरू हो चुका है। नियाज खान, बेस्ट विशेस टू अकमल सर फॉर हिज न्यू वेंचर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो एज अ वोट ऑफ थैंक्स आई विल लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू माई दिस ओकेशन। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस दिन को आपने मेरे लिए यादगार बनाया, ख़ास तौर से पूरी टीम का, पूरे बडीज़ का जिन्होंने, और ख़ास तौर से उन सभी का जिन्होंने, आज शेड्यूल बहुत टाइट होता मैं जानता हूँ, इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक और सुबह सुबह निकल के आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर ने जो कोरबा से आके इतनी अच्छी स्पीच दी हमारे विज़न लॉन्च को, आज एक नई जो सर ने पहल करने के लिए, हम एक नई पहल थी हमारी लाइफ में, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होने की तरफ चल रही है। और इस दिन में मेरे गुरु, मेरे मेंटर मेरे साथ थे, अजय सर ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही मैं अपनी इस टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से मैं 17 साल में आज इस लेवल में पहुँचा हूँ कि आज मैं अपने विजन को पब्लिकली डिक्लेयर कर सका, नहीं तो ये हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। और थैंक्स टू स्मार्ट, क्योंकि स्मार्ट के बाद ही मुझे पब्लिकली डिक्लेयर करने की ये ताकत आई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम बहुत हो चुका है, लंच पर ज्वाइन करें हमको। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
में एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का महताज, चलो इस शाम से कि तूफान भी रुक जाए। एक ताली तो बनती है। तो मैं आज आप सबको पता है कि हमारा जो अशरफिया ग्रुप का फर्स्ट डिविजन लॉन्च हो चुका है और साथ ही आज हम सभी यहाँ पर सिक्स्थ अस्मी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं और साथ ही टीचर्स डे भी। तो मैं आपको अस्मी फाउंडेशन के बारे में वर्कआउट के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। अस्मी फाउंडेशन ने आज अपने पूरे 6 साल पूरे कर लिए हैं। आज हम सभी यहाँ पर अस्मी फाउंडेशन के 6 साल पूरे होने को सेलिब्रेट करने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। अस्मी फाउंडेशन महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए संचालित एक ऐसी संस्था है जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। अस्मी फाउंडेशन के द्वारा ऐसे बहुत से कार्य किए जाते हैं जो महिलाओं के हित में होते हैं, जैसे महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है और महिलाओं को इस प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और अभी हाल ही में अस्मी फाउंडेशन ने 5,000 महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने भी वाला है। इस मिशन 5,000 के तहत दुर्ग, भिलाई जिले, राजनांदगांव जिले और रायपुर जिले में महिलाओं को निःशुल्क 1 महीने का सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अस्मी फाउंडेशन के इस नेक प्रयास की सराहना दुर्ग नगर निगम की महापौर श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी ने भी की है। तो इस तरह से अस्मी फाउंडेशन ने न केवल महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर अस्मी फाउंडेशन का उत्साहवर्धन करें। थैंक यू सो मच। इंडिविजुअल कमिटमेंट टू अ ग्रुप इज व्हाट मेक्स अ टीम वर्क। इंडिविजुअल कमिटमेंट टू अ ग्रुप इज व्हाट मेक्स अ टीम वर्क, अ कंपनी वर्क, अ सोसाइटी वर्क एंड अ सिविलाइजेशन वर्क। एंड टुडे आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू बी सराउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव मेड इट कंसिस्टेंटली बाय देयर रिलेंटलेस एफर्ट। सो एज यू गाइज नो, वन ऑफ अवर वर्टिकल इज टोटली इंडल्ज विद इम्पार्टिंग एजुकेशन टू द सोसाइटी, दैट इज AGI अशरफिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। गुरु वो है जो हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल ले देते हैं। गुरु वो है जो हमारी अज्ञानता की गहराई खंगाल देते हैं, हमारी नादानियों को समझ नई चाल देते हैं। लाख चाहे कोई उपकार चुका नहीं सकता, मन में ज्ञान का दीपक जलाकर डाल देते हैं। सो मैं चाहूंगी कि हमारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ब्यूटीफुल दक्षा मैम, मैं भी इस मौके पर कुछ कहना चाहूंगी। शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ। शिक्षक के बिना ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ। शत शत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन सारा जहाँ। मैं आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सभी यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए भी आए हुए हैं, तो आइए इस महान दिन को हम सब मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करें। तो मैं टीचर्स को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे रिसोर्स हेड को कि प्लीज़ वो स्टेज पर आएँ और गिफ्ट देकर टीचर्स को सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी सुशीला दीदी को। ज़ोरदार तालियां बजाइए सुशीला दीदी जी के लिए। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी टोमिन दीदी को। टोमिन दीदी, जानकी देवी साहू।
मिश्रा मैम. ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वैसे तो आप लोग सभी मेरे को जानते ही हैं, फिर भी मैं अपना परिचय दे ही देती हूँ. मेरा नाम जानकी साहू है. मैं आज मेरे को चौथा साल चल रहा है यहाँ अशरफिया ग्रुप में, और मैं यहीं से शुरुआत की हूँ अपना पहला जॉब, अपना पहला एक्सपीरियंस. और मेरे लिए बहुत ही लकी हूँ मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लेडीज़ पर्सन है, गर्ल्स पर्सन है, उनको बहुत अच्छी यहाँ पे अचीवमेंट मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. वैसे तो आजकल पुरुष से मतलब जेंट्स पर्सन से सब कंधे से कंधा मिलाकर चल ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैंने अशरफिया ग्रुप में ही देखा है कि सभी लेडीज़ पर्सन और सभी गर्ल्स पर्सन यही सबसे ज़्यादा एक चमकदार सितारे के रूप में दिखाई देते हैं. तो थैंक यू सो मच सर, अकमल सर, जाफरी सर, फैजी सर एंड ऑल हेड्स. और मैं इन लोगों को मतलब आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ हेड्स ऑफ. और एक बात और है कि सबकी सोच नज़रिया एक जैसी नहीं होती. हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम जहाँ जाए वो अच्छा हो, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि हमारा पाँव जहाँ पड़े वो अच्छा रास्ता हो जाए. और एक है लास्ट, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी. कि सीढ़ी सबके लिए एक जैसी होती है, सीढ़ी सबके लिए एक जैसी होती है. सबका नज़रिया अलग होता है, किसी का नज़रिया नीचे से ऊपर जाता है, किसी का ऊपर से नीचे. तो हम चाहते हैं कि सभी नीचे से ऊपर ही जाएं. थैंक यू सो मच ऑल. सम्मानित करें सर के लिए भी जोरदार तालियां. फैजी सर को कि वो स्टेज पर आए और टीचर्स को गिफ्ट देकर सम्मानित करें.
और मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूंगी फरीना परवीन मैम को। नेक्स्ट विनीता निषाद, विनीता मैम। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम माय नेम इज विनीता निषाद। आई एम टीम लीडर ऑफ अशरफिया आईटी किड्स ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल सेक्शन एंड आई एम जॉइनिंग फॉर 3 इयर्स एंड आई हैव लर्नड सो मैनी थिंग्स एंड थैंक यू सो मच माय ऑल अशरफिया ग्रुप एंड स्पेशली थैंक यू फॉर माई हेड द्रक्षा मैम बिकॉज शी इज ऑलवेज हेल्प मी एंड ऑलवेज गाइड्स मी। थैंक यू सो मच। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मधुमाला मैम को। मधुमाला मैम, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अशरफिया, हर एक इंसान का सपना होता है, वैसे भी मेरा भी कुछ सपना था, लेकिन जैसे लगभग लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है, वैसे मेरा भी सपना कहीं ना कहीं टूट रहा था, लेकिन अशरफिया में आने के बाद मेरा सपना आज पूरा होता दिखाई देता है। थैंक यू अशरफिया। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आयशा जाफरी। यस, आई एम अ जाफरी। माई ब्रदर इज सरवत हुसैन जाफरी। आई एम आयशा जाफरी एंड आई एम वर्किंग हियर लास्ट सिंस अप्रोक्सिमेटली 5 इयर्स एंड आई एम जॉइन हियर एट दैट टाइम आई did not know about anything in office, how work. Bharti ma'am trained me in each and every department, accounts, counseling, operations, computer. Mujhe bilkul chalana nahi aata tha, magar ma'am ne mujhe sab kuch sikhaya hai. And now, ab main team leader hu kindergarten ka. Now I am a team leader of kindergarten primary section. And Duraksham of at that time Duraksham of teaches about the leadership quality and so many other things. Thank you Ashrafya family. Hello. Ji ma'am, aap bhi apna experience share kijiye hamare sath. Thank you Ashrafya. Mujhe Ashrafya mein 6 saal ho gaye hain. Main 2013 se joining thi. और मेरा इंटरव्यू बिल्किस मैम एंड भारती मैम ने लिया था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। थैंक यू भारती मैम, बिल्किस मैम कि मुझे अशरफे में 6 साल हुए, अशरफे ने को मैंने 6 साल दिया और अशरफे अपने साथ मुझे 6 साल रखा है और आगे में फिर मुझे 10 साल हो जाएगा, मैं यहीं पर खड़े होकर फिर 10 साल में बोलूँगी थैंक यू अशरफिया। और मेरे टीम लीडर मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे और आज भारती मैम मुझे ऑपरेशन में खड़ा कर रही है। थैंक यू भारती मैम। थैंक यू वेरी मच सर, काइंडली टेक योर सीट। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आवर प्रिंसिपल मैम मिसेस स्वालिहा कुरैशी मैम टू स्टेज टू प्लीज कम ओवर हियर एंड टू डू द गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी सर, आपका टर्न मैंने ले लिया। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई केम इन अशरफिया ग्रुप बिफोर 3 इयर्स। जब मैं आई थी तो मेरा इंटरव्यू बिल्किस मैम ने लिया था और लिया भी नहीं था, मैम ने सिर्फ मुझे जस्ट सिंपल क्वेश्चन किए थे। फिर उस टाइम मुझे सबाना मैम ने पूछा था कि आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, और उस टाइम मुझे कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता था, मुझे पता भी नहीं था कि माउस क्या होता है या मॉनिटर क्या होता है या कीबोर्ड क्या होता है। मगर आज मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी भारती मैम को,
क्योंकि मैंने बहुत कुछ कंप्यूटर में सीखा और आज मैं सबारा मैम को भी बोलना चाहूँगी कि जितने भी ऑफिस वर्क होते हैं मैं उतना करने के लायक मैंने कंप्यूटर सीख लिया है मैम। दौलत हुआ है और मैम मुझे हमेशा हेल्प करते हैं और बिल्किस मैम भी हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। आज मैं जो यहाँ पर हूँ वो बिल्किस मैम की बदौलत भी हूँ और भारती मैम की बदौलत। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नावेद सर। नावेद सर थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम। रुखसाना रुखसाना देव सर को बुलाना चाहूंगी मैं। जी सर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू इसके लिए। ग्रेट मॉर्निंग सभी को। मैं जब सबसे पहले आया था तो मेरा जो इंटरव्यू है वो भारती मैम और बिल्किस मैम के द्वारा लिया गया था। तो उस टाइम क्या था मतलब मेरा मतलब बहुत सपोर्ट किया भारती मैम। बहुत पहले से इनको बहुत एक्सपीरियंस था इस चीज़ का और मुझे हर चीज़ में भारती मैम ने बहुत सपोर्ट किया और बिल्किस मैम बहुत सपोर्ट किया मेरा। और मैं आज तक जितना भी काम किया हूँ इनकी मदद से काम किया हूँ। और आप जब यहाँ आ गए मदरसे में तो मेरे सर बैठे हैं जाफरी सर जिन्होंने मेरे बहुत मेरे मतलब हेल्प किया मेरा और प्रीतीश सर जिसने मुझे केस फाइल सिखा दिया पूरा। थैंक और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अफजल सर को। अफजल सर हेलो। मैंने आज तक जिंदगी में कोई नौकरी नहीं किया था। पहली बार मैंने यहाँ काम किया जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अकमल सर ने मुझे बुलाया समझाया उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हूँ। आज उन्हीं की बदौलत यहाँ पे हूँ। जाफरी सर ही बहुत सहयोग करते मेरे साथ। वो तो मैडम सिखा के चले गए ना इसलिए आभारी बहुत धन्यवाद। अश्वति ध्रुव। नेक्स्ट विनय सर। विनय सर नेक्स्ट मालती ध्रुव। रतिन सर तालियां रुक क्यों गई। कुछ करिए कुछ करिए तालियां बजते रहनी चाहिए। मेरी खो दे हाय कुछ करिए। रतिन सर प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। कुछ करिए बस बस बस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब कुछ करिए। आप तो मेरा नाम जानती हैं रतिन। और मैं कंप्यूटर क्लास का टीचर। अच्छा मेरे को यहाँ आए हुए बहुत कम समय हुआ है लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन इसके लिए मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ फैजी सर का जो मैंने मुझे चुना इस चीज़ के लिए। और मैं अपना सपना इसमें बहुत आसानी से पूरा कर सकता हूँ ऐसा मुझे लगता है। और मैं उसको कोशिश करके दिखाऊंगा मैं। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी निधि मैम को। अशरफिया फैमिली
वैसे एक्चुअली आप लोग मुझे जानते ही हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा नाम निधि श्रीवास है और मेरी भी लाइफ की फर्स्ट जॉब और फर्स्ट एक्सपीरियंस अशरफिया फैमिली से ही स्टार्ट हुई है। आफ्टर 12th ही मैंने अपनी जॉब यहाँ पर स्टार्ट की है और इस एक ईयर में, मतलब इस एक साल में मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स में यहाँ पर जॉब किया है और बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर से सीखे हैं। हर एक पर्सन ने, हर एक हेड ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। फर्स्टली दुरक्षा मैम से स्टार्ट हुआ, देन फिर भारती मैम ने मुझे काउंसलिंग का पार्ट सिखाया, देन फिर फैजी सर जिन्होंने मुझे ईए में बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी दुरक्षा मैम, भारती मैम, फैजी सर एंड थैंक यू सो मच फातिमा मैम, क्योंकि कैश के मामले में, क्योंकि मैं एज अ काउंसलर हूँ यहाँ पर, तो मतलब एडमिशन मेरा है टास्क यहाँ पर, तो एडमिशन में सबसे ज़्यादा रहता है कि कैश की जो रहती है उसमें जो फॉर्मेलिटीज और जो सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मुझे फातिमा मैम ने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है। तो थैंक्स टू ऑल माई हेड्स एंड थैंक्स टू अशरफ माई फैमिली। नेक्स्ट अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी रेशमा मैम को। नेक्स्ट अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी फरीन मैम को। फरीन मैम, यशोदा को। यशोदा, यशोदा जाना नहीं है, मैं यहाँ पर पूरे सम्मान के साथ स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी मिसेज स्वालेहा कुरैशी मैम जी को। जोरदार तालियां बजाइए मैम के लिए। ग्रेट मॉर्निंग ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे यहाँ कम से कम 18 साल हो गए इन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आसानी से इन लोगों ने मुझको बहुत इज्जत दिया। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी प्रतिमा मैम को। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी फातिमा मैम को। जोरदार तालियां मैम के लिए, जोर से बजाइए तालियां, नहीं तो टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी। जी मैम, एक्सपीरियंस। ग्रेट मॉर्निंग शफिया फैमिली। मुझे यहाँ 4 साल से ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे आए, लेकिन जितना भी समय बीता ऐसा लगा नहीं कि 4 साल बीत गए। इतना लॉन्ग टाइम हुआ है ऐसे समझ लगा नहीं। और जब भी मैंने काम किया है बहुत सेटिस्फेक्शन रहा मुझे, क्योंकि हम ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो पुअर हैं, जिनके घर, जिनके रहने और खाने के लिए नहीं है जिनके पास, इसीलिए मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि हम ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कंटिन्यूशन मैं इसीलिए की हूँ यहाँ पे कि हम उनकी हमेशा हेल्प करें और हमेशा ये संस्था हमारी चलते रहे। थैंक यू। स्टेज पर बुलाना चाहूँगी भारती मैम को, जोरदार तालियां भारती मैम के लिए। भारती मैडम, हमको जब भी किसी डिपार्टमेंट में नया वर्टिकल हेड, नया मेंटोर या नया डिपार्टमेंट में किसी को ट्रांसफ़र करना होता है ना, तो हम सबसे पहले किसको बात करते हैं पता है? भारती मैडम से। कोई तैयार हुआ क्या? तो ये टैलेंट फैक्ट्री है हमारे यहाँ की, जहाँ से तैयार होकर लोग निकलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे मैडम? दोस्त रिस्पेक्टेड MD सर, GMM, माय डियर कलीग्स एंड माय टीम्स, आप सभी को सबसे पहले अश्मी फाउंडेशन के छठवें वर्ष के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे यहाँ टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी जो शुरुआत हुई है वो शख्स तो यहाँ बैठे नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगी। वो जो शख्स है बिल्किस मैम की बड़ी सिस्टर हैं, उनका नाम है नशीम बानो। उनके थ्रू मैंने यहाँ पे अकमल सर से मिला सबसे पहले। मैं उनके यहाँ पे किसी कोर्स करने के लिए जाती थी मैम के यहाँ पर, तो फिर वो दीदी ने मुझे पहले सर से मिलवाया, फिर सर ने मेरी काउंसलिंग की कंप्यूटर कोर्स के लिए। तो मैंने एक साल DCA कोर्स किया, उसके बाद फिर एक साल के बाद मैंने कंप्यूटर टीचर के लिए वर्क किया, जिसमें मैंने 2 से 3 वर्ष किया हेड ऑफिस में, DCA और PGD का DCA का कोर्स भी पढ़ाया। उसके बाद जब मैं मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ APS में हुआ, उसमें मेरा ट्रांसफ़र हुआ था चीफ एकेडमिक ऑफिसर के रूप में, जिसमें मैंने 3 से 4 साल तक कंटिन्यू वर्क किया। उस बीच में मेरे पास इतने सारे चैलेंजेस आए कि मैं घर जाके रोती हुई थी मैं कैसे करूं, समझ में नहीं आता था। तो मुझे जब मेरे पास कोई चैलेंज आते थे तो मैं एक ही बात याद रखती थी, मैं जब 10th में पढ़ती थी तो केमिस्ट्री की टीचर थी, वो हमेशा ये बोलती थी कि रोज़ केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रोज़ कुआँ खोदो और रोज़ पानी पियो। तो वही मैं सोचती थी, अश्रप्य के जो चैलेंजेस थे उसको मैंने लिंक किया कि ये मेरे लिए एक ऐसा कुआँ है जिससे मुझे उस चैलेंज को दूर करना है और उससे मुझे आगे बढ़ना है। उस बीच में मेरे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी निकले, हेमलता मैम, दुरक्षा मैम मेरे ही टीम से थे और आज उन लोग अलग अलग सेक्शन को लीड कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इन लोग यहाँ से मतलब निकल के अपने अपने वर्टिकल्स को संभाल रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद फिर मेरा जो है अभी मैं जिस प्रोफाइल में काम कर रही हूँ चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लोगों से मिला और मेरी वहाँ पर पहचान भी बनी, और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो मुझे लोग जानते कि अशफिया वाली मैडम आई, तो मतलब उसे मेरी एक अच्छी पहचान भी है। प्लस जब हमने गुंडर दे ही गए थे वहाँ, कुछ था महिलाओं का ही कुछ, हाँ महिला कमांडो के वर्क पे गए थे, तो उस दिन से मैंने इतने सारे महिलाओं को देखा और एक लेडी जो है उतने सारे 17,000 लेडीज़ को उन लोग लीड कर रही है, तभी से मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से अश्मी फाउंडेशन के थ्रू उन लेडीज़ों को अपने में जोड़ें। लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे रुकावटें हैं जिसके कारण हम नहीं कर पाए, लेकिन सबाना मैम, बिल्किस मैम और हमने तीनों ने मिलकर ऐसी प्लानिंग की कि आज हमने मिशन 5000 को लिया है और हम अभी तक 3000 महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है कि हम वहां तक पहुंच चुके हैं। और आज हमारा जो विज़न लॉन्च है, जो कि हमने टारगेट रखा है 2035, लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम वर्क कर रही है और जिस तरीके से आप लोग हमारे शफिया का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि हम लोग को 2035 तक नहीं, उससे पहले ही हम उस अचीवमेंट को पूरा कर लेंगे। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं और आप सबके लिए को मैं ये बोलती हूं कि अशरफे के लिए सब दुआ करिए कि हम उस अचीवमेंट को जल्दी प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी प्रीतिश सर को। भारती मैडम को मैंने जैसे अभी टाइटल दिया ना, ये बिल्कुल सूट करता है उनको, टैलेंट फैक्ट्री। और प्रीतिश के लिए मेरे पास एक ही टाइटल है, संकट मोचन। तो जब भी हमारा कोई काम अटकता है ना, खासतौर से मेरा,
तो उसके लिए मैं एक ही काम करता हूँ और वो है प्रीतिश को फ़ोन कर देता हूँ या प्रीतिश को बुला के बोलता हूँ प्रीतिश मुझे चाहिए 2 बजे, और मुझे ही पता है 2 बजे तक नहीं हो सकता, लेकिन प्रीतिश उसको 3 बजे तक कर देगा फिर। तो इसलिए प्रीतिश के लिए बेस्ट नेम जो है संकट मोचन है। और मेरे को लगता है कि मेरी एनर्जी के साथ कोई कोप अप कर पाया आज तक अशरफिया में वो सिर्फ प्रीतिश है, कि मैं एक पागल आदमी हूँ। अगर मेरे को रात के 2 बजे कुछ मैंने सोच लिया कि 2 बजे चाहिए, तो मुझे 2 बजे ही चाहिए, 3 बजे नहीं चलेगा। तो वो प्रीतिश सर ही कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाते, इसलिए इनका टाइटल आज से संकट मोचन है। थैंक यू सर, इतनी अच्छी बात मुझे बोलने के लिए। ग्रेट मॉर्निंग अशरफिया फैमिली। मेरा नाम, अब ये डायलॉग नहीं बोलूँगा, पुराना हो चुका है। प्रीतिश है, नाम तो सुना ही होगा। नहीं तो info@ashrafia.co.in में डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू मिल भी जाता है। आज सबने अपना इंटरव्यूज़ के बाद में बात बताई, सबने, भारती मैम ने, सभी चीज़ों ने, सभी कलीग्स ने हमारे, तो मुझे भी याद आ गई। और ये जो बात बोल रहा, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाया, पता था बोलना है, लेकिन मैं बोला आज जो बोलूँगा दिल से बोलूँगा। तो आज भी मेरा पहला इंटरव्यू याद है कि हमने एक दिन पहले टाटा इंडिकॉम का वॉकी टॉकी खरीदा था और मैं इंटरव्यू देने उसी दिन गया था, 8:36, आज भी टाइम याद है। अकमल सर का फ़ोन रात में मेरे पास आया था, उसको मैं पिकअप मेरे पापा ने किया था और बोला कल तुझे अशरफिया ग्रुप में जाना है। तो वहाँ मैं गया, सबसे फर्स्ट इंटरव्यू फ्रंट ऑफिस में सर ने लिया और फिर अंदर जाके मैडम ने मुझे इंटरव्यू के लिए फाइनल किया, जिसमें मैं अकाउंट सेक्शन में था, क्योंकि मुझे बस टैली आता था, कुछ नहीं आता था। मैंने जो भी चीज़ सीखा है, इनफैक्ट अगर मैं यहाँ खड़े होकर बोल पा रहा हूँ तो ये सब सर और मैम की बदौलत है। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पहले कुछ नहीं था, जितनी चीज़ें सीखा हूँ, अगर सर बोल रहे हैं कि 2 बजे तक कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं सर और मैम के थ्रू ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और आज सभी कलीग्स, सभी अशरफिया फैमिली मेरे साथ हैं। शिवली सर बीच में चाय पिलाने ले आ लेते हैं तो एनर्जी बढ़ते रहती है हमारी। बिरयानी स्पेशल है सर, भूल गए, पर फैजी सर भी साथ में। और सर के इस हमारा जो बी है 2035 तक ज़रूर हम सब साथ में काम करेंगे, क्योंकि बिन टीम के कुछ नहीं हो सकता, ये गार्ड बांध के रख लीजिए। और मेरी जो ख्वाहिश थी, मतलब मैं जो सोचा था जब 12 पास करके मैंने भी जॉब किया, कि मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, डेफिनेटली सर मुझे ये बोलते थे एक अशरफिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी कदम रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो अपनी लाइफ को ज़रूर अचीव करेगा। और ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, कोई थ्योरिकल नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर एंड मैम, थैंक यू। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी AGI की वर्टिकल दुरक्षा आशविया बख्श को, कि वो आए स्टेज पर और अपना, हाँ मैम स्टेज पर ही है, जोरदार तालियां, क्या कर रहे हैं आप लोग, लंच हो चुका है शायद। जी मैम, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। First of all, I would like to congratulate all of you कि हमारा जो आज विज़न लॉन्च हुआ है, सभी के लिए मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और दूसरा, really congratulate for 6th Asmi Foundation Day and Teachers Day, सभी को बहुत बहुत मुबारक। And thank you, मैं बोलना चाहूँगी अपना experience जो मेरा अशरफिया में रहा है, और थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी एंड शोइंग कॉन्फिडेंस सर एंड मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया मुझे परफॉर्म करने के लिए। एंड देन माई टीम, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, थैंक यू ऑल। अब मैं हेमलता मैम से चाहूँगी कि मैम जी प्लीज़, वर्टिकल हेड ऑफ सर्च हेमलता यादव। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे आप लोग मुझे स्टार्टिंग से सुन रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का। एक्चुअली आप सभी लोगों को 6th Asmi Foundation Day, टीचर्स डे और जो हमारा अशरफिया का आज विज़न लॉन्च हुआ है उसकी ढेर सारी बधाई। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जब मैंने यहाँ पे अशरफिया में फर्स्ट ज्वाइन किया था तो उसके पहले मेरा इंटरव्यू अकमल सर और शबाना मैम ने ही लिया था, शायद सर मैम को याद जी जी, तो सर और मैम ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था, तो थैंक यू सो मच
सर एंड मैम मुझे चूज़ करने के लिए. और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एज अ टीचर ही ज्वाइन किया था, तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मुझे शौक भी है टीचिंग का. तो और उसके बाद फिर मुझे उम्मीद में काम करने का मौका मिला, फिर इवेंट, फिर अभी मैं रिसेंटली सर्च में कर रही हूँ. और ये मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन 4 सालों में कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स में वर्क किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी अनुराधा मैम को, वर्टिकल हेड ऑफ उम्मीद. ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. जैसा कि आज सब बता रहे हैं कि उनका इंटरव्यू किसने लिया, तो मैं भी बताना चाहूँगी कि मेरा इंटरव्यू भारती मैम और बिल्किस मैम ने लिया था. और जी और एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊँगी. एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए भी नहीं थे, पर फिर भी मेरा जो कॉन्फिडेंस था शायद मैम और भारती मैम और बिल्किस मैम को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे चुना. और उसके बाद अभी हमारे बीच मैम नहीं है, मोनिका मैम, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम लेना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया. और फिर उसके बाद मैं दरक्षा मैम का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे DOA के लिए चुना. और फिर मैं जाफरी सर का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं. जैसे अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, नहीं होता है, मैं हमेशा कहती हूँ नहीं सर मेरे से नहीं हो रहा है, वो हमेशा कहते हैं हो जाएगा मैडम. वो हमेशा यही कहते हैं. कभी भी आपको ये वो सुनते ही नहीं है कि ये नहीं हो रहा है, वो हमेशा यही कहते हैं हो जाएगा मैडम, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है. और वैसे ही मैं शबाना मैम और अकमल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा. और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अशरफिया एक ऐसा मंच है, एक बहुत बड़ा मंच है जो आपकी डिग्री को नहीं देखता, वो आपके कॉन्फिडेंस और वो आपके टैलेंट को देखता है. तो थैंक यू सो मच मुझे चुनने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए. थैंक यू. और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जाफरी सर, CVO ऑफ अशरफिया ग्रुप. ग्रेट मॉर्निंग, आवाज़ ज़ोर से है ना, ग्रेट मॉर्निंग. आज हम लोग वीजन लॉन्च में बैठे हैं. ग्रेट मॉर्निंग. ग्रेट मॉर्निंग सर. इधर ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई. मैं खिलाड़ी हूँ, क्रिकेट खेलता था, ठीक है. मेरा एक विजन था इंटरनेशनल खेलने का, मगर मैं नहीं खेल पाया. इस पर अफसोस नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा खुशी हुई ना खेलने पर. अगर मैं खेल लेता शायद आप लोग के साथ यहाँ पर ना होता, क्योंकि मैं वहाँ होता तो आप लोग यहाँ होते, देख के ताली बजा सकते थे कि अकमल सर का भाई खेल रहा है. मगर मुझे ज़्यादा उससे ज़्यादा खुशी है मुझे यहाँ पे आकर लीड करने की. मैं क्रिकेट की टीम में भी था, मुझे पता था मुझे सबसे अच्छी लीड मैं ही करता था. मगर मैंने कभी कैप्टन नहीं बना, मैं कभी किसी की टीम का कैप्टन नहीं बना. मुझे लोग ऑफर किए, सब ऑफर करते थे कि आप कैप्टन बनो, मगर मैं पीछे से हमेशा सपोर्ट करता था. कैप्टन बनने की कभी मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी कि मैं कैप्टन हूँ. लोग मुझे चुन लिया करते थे कैप्टन ही है. कैप्टन आके मुझसे पूछता था कैसे लीड करना, मैं सारी चीज़ उसको बताता था, मगर कभी कैप्टन बनने की कोशिश भी नहीं की. जिस जिस में लीड किया, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि नाकामयाबी मिली हो. नाकामयाब भी हुए, मगर उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह छोड़ गए दूसरों के लिए कि ऐसी टीम होनी चाहिए. फिर मैं धीरे धीरे मेरा उसके बाद मैं आया 2011-12 में. मैं 2006-07 में पहले आया, 2006-07 में क्रिकेट ही खेलने आया था. मगर यहाँ पे मुझे थोड़ा काम पसंद आया, मगर काम किया नहीं था मैंने. फिर मैं रिटर्न हो गया 2009 में. फिर 2012 में आया तो मैं अशरफिया का एक
मेंबर ही बना। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं नौकरी करने आया, मैं काम ही करने आया था, नौकरी करने नहीं आया। मैं एक पिलर बन के इसमें आया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे काम करते 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 देखिए एक्सपीरियंस नहीं था मुझे वर्क का। मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे तैयार जो है अकमल सर रात में पकड़ लेते थे 2 बजे, और मैडम दिन में पकड़ लेती थी कि ये करना है, तो रात उनके साथ जाती थी, दिन मैडम के साथ। तो इन्होंने बताया कैसे कैसे करना है, मगर मुझे भी नहीं लगता मेरे काम में इतना परफेक्शन है, मगर आएगा। क्योंकि देखिए एक बहुत कूड़ा कूड़े जैसी ज़मीन होती है ना, तो उस पर कुछ होता नहीं, ज़माने भर लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं, उसके बाद अचानक एक प्लान आता है कि इसको प्लाटिंग किया जाए, तो उसकी प्लाटिंग होती है। उसके बाद धीरे धीरे एक मास्टर प्लान आता है, मास्टर प्लान के बाद उस पर वर्क शुरू होता है, बिल्डिंगें बनती है, धीरे धीरे काम एक कॉलोनी तैयार होती है, फिर एक स्मार्ट प्लान आता है। स्मार्ट प्लान में वो बिल्डिंगें तैयार होती है, आलिशान बिल्डिंग तैयार होती है, जो एक लग्जरी और कहते हैं ना प्रीमियम चीज़ तैयार होती है। तो वैसे ही धीरे धीरे अशरफिया भी जब शुरू हुआ था तो उस जगह से शुरू हुआ था जहाँ कोई नहीं था, फिर उस पर धीरे से एक प्लाटिंग हुई, फिर उसके बाद उसका एक मास्टर प्लान आया, अब ये स्मार्ट प्लान है जो 2035 का है। तो ये मेरा स्मार्ट प्लान में हम सब एक साथ हैं, हम सब एक टीम की तरह काम टीम की तरह रहेंगे और वर्क करेंगे, ना कि नौकरी करेंगे, ठीक है। तो हम सब एक टीम के हिस्सा हैं, एक सदस्य, सब इसके पिलर हैं, ठीक। अगर कोई पिलर भी अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो पूरा ग्रुप हिलेगा, इसलिए आप लोग अपना पूरा सपोर्ट रखिए आप हमारे साथ। और आज का दिन बहुत ही बहुत बहुत बड़ा दिन है, ये आज से हमारे ऊपर एक बड़ा प्रेशर है कि हमें अपना बिहैग जो कि मेरे ही ऊपर है बिहैग तो इसे अचीव करने में कठिनाइयाँ तो कुछ नहीं है, परेशानियाँ थोड़ी आएंगी, है ना। कठिनाई है कि इंसान है तो परेशान हो गई, और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है दुनिया में, जो भी चीज़ है वो सब मुमकिन है। इंसान है जो हर काम कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, एक इंसान है पूरी ज़िंदगी में एक काम भी नहीं कर पाता। तो हम हर वो काम करेंगे जो हमारे ब्रांड लाइक में आता है, हमारा ब्रांड लाइक जो है, हमें इसी तरह हर एक काम करना है। और 33 सेक्शन है, इसको 103 सेक्शन बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी बिल्किस मैम को, अवर CRO इन अशफिया ग्रुप। जोरदार तानिया मैम के लिए। ग्रेट मॉर्निंग अशरफिया। सबसे पहले सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आज विज़न लॉन्च जो हमारा हुआ है पब्लिकली, और उसके बाद अस्मी फाउंडेशन डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्योंकि टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है तो ऑल टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे और सारी फैमिली को। और जिस तरह सभी ने अपनी शुरुआत बताई है तो मैं भी बताना चाहूँगी कि नहीं सर जाहिर सी बात है कि मेरा इंटरव्यू शबाना मैम ने ही लिया था, और मेरी शुरुआत जो थी एक IP टीचर के रूप में थी, जो कि बहुत एक एक कदम मैं सीख रही थी, क्योंकि मैं कुछ भी सीख कर नहीं आई थी, और हर दिन मैंने कुछ सीखा है, आज भी सीख रही हूँ और आज भी मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने शुरुआत की थी हमारे पास कुछ तैयारियाँ थी, तो हमने इतने सालों का सफ़र तय किया है, और अब आज जो हमारा विज़न तैयार हो चुका है, हम उसको तैयार कर चुके हैं 2035 तक। तो अब जो हमारी टीम है इतनी बड़ी, तो आप यकीन कीजिए हम उस 2035 से पहले इस विज़न को प्राप्त कर लेंगे, हमें अपना गोल ज़रूर अचीव होगा। और सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि टीम में बहुत बड़ी ताकत है, टीम की ताकत को बनाए रखिए और अपने अप लाइन पर भरोसा कीजिए, आप अपने विज़न तक अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मोहम्मद फैजी सर को, अवर CEO ऑफ अशरफिया ग्रुप। ज़ोरदार तालियां फैजी सर के लिए। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
जैसे सभी ने अपनी हिस्ट्री बताई है, मैं आपको हिस्ट्री नहीं बताना चाहूँगा, क्विक रिविजन कि मेरा करियर कैसे स्टार्ट हुआ। तो जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरा प्रोफाइल HR था, और अभी जस्ट आपने आपको पता ही चला होगा कि अगस्त में ही मेरा एक साल कंप्लीट हुआ है। एंड विद इन दैट ओनली आई हैव कंप्लीटेड, देर आर सेवरल प्रोफाइल्स आई हैव चेंज, बट द मेन थिंग व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू इज़ दैट कि मुझे यहाँ ग्रुप में एक बहुत अच्छा मेंटोर जो बोलते हैं कि वो बहुत मुझे मिला, जिससे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, एंड दैट इज़ अकमल सर और शबाना मैम, जो कि मुझे हमेशा गाइड करते हैं। वेन एवर आई ऑल्सो गेट डीमोटिवेटेड, दे मोटिवेट्स मी एंड दे टेल मी दैट फैजी करके देखते हैं, होगा आप करके देखिए। तो मुझे जो गाइडेंस, जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी मिलती है अकमल सर से, वो काउंटेबल नहीं है। मतलब वो एनर्जी आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसको आप लेवलाइज चैनलाइज नहीं कर सकते हैं, वो एनर्जी वो मुझे देते हैं। और शबाना मैम हमेशा मुझे गाइडेंस देते हैं कि फैजी इसको इस तरीके से करते हैं, जहाँ भी डीमोटिवेशन आता है वहाँ पे वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू बोथ ऑफ माई रिसोर्स हेड्स एज वेल एज जो टीम है। टीम से मैं यही उम्मीद करूँगा, क्योंकि अभी मेरा जो पार्ट आता है वो है पर्पस, तो पर्पस कभी ख़त्म नहीं हो सकता आपका, तो पर्पस हमेशा बन चलते रहेगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम जो पर्पस अपना लेके चल रहे हैं उसको हर किसी की लाइफ तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारी रिसोर्स हेड मिस शबाना शेख को कि वो यहाँ स्टेज पर आए और वोट ऑफ थैंक्स सभी का करें। जोरदार तालियां शबाना मैम के लिए। सभी का इंटरव्यू किसी किसी ने लिया, तो मेरा भी इंटरव्यू कुरैशी मैडम, और अभी हमारे साथ निखत मैडम नहीं है जो कि बहुत अच्छी टीचर थी, शबना मैडम जो कि उन्होंने भी उस वक्त मुझे गाइड किया, अकमल सर, इन चारों लोगों ने एक के बाद एक मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं भी इनका थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे अशरफिया में का अवसर दिया। हैप्पी टीचर्स डे, आप सभी टीचर्स हैं। टीचर्स, एक शिक्षक की वैल्यू क्या है वो इंडिया वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। आप एक बच्चे का भविष्य और एक करियर बनाते हैं, और आप अपना कीमती समय अपनी शिक्षा की रोशनी देते हैं। तो मैं इसलिए सभी टीचर्स को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगी। और आज विज़न लॉन्च का जो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, हर एक व्यक्ति ने अपना इसमें एनर्जी दी है, हर एक व्यक्ति ने अपने पार्ट का वर्क किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने किया या उसने किया, सब ने किया है, और सभी का बहुत बहुत थैंक्स इस प्रोग्राम को अच्छा करने में। और इंशाल्लाह 2035 नहीं 2025 तक हम इसको कवर कर लेंगे मुझे लगता है। और स्पेशल थैंक्स हमारे इवेंट एंड मीडिया और सर्च डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को और चार चांद लगा दिया। बाकी हर किसी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, और मैं आप सभी लोगों का भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतने शानदार तरीके से सफल बनाया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हमारे बीच जो अभी भारती मैम ने आपको बताया कि अस्मी फाउंडेशन के थ्रू जो मिशन 5000 जिसमें महिलाओं 5000 महिलाओं को जोड़ने का जो संकल्प लिया गया है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जैसे मैम ने बताया कि 3000 महिलाएं इसमें शामिल भी हो चुकी हैं, अस्मी फाउंडेशन के थ्रू जुड़ भी चुकी हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो मैं उन्हें इन्वाइट करूँगी कि सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी उषा मैम को पूरे सम्मान के साथ। प्लीज़ मैम आप आइए यहाँ पर और ज़ोरदार तालियाँ बजाइए उषा मैम के लिए। पहले इंट्रो दे दूं मैं कि मिशन 5000 अस्मी फाउंडेशन के तहत, मिशन 5000 जो हम अभी जिसके तहत हम वुमन्स को ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, उन्हें सशक्तिकरण देते जा रहे हैं सिलाई और पार्लर के क्षेत्र में, और उनके लिए आगे रोज़गार की जो हमारी तैयारी है उन्हें रोज़गार से जोड़ते जा रहे हैं, उसके लिए हमें सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है।
उन सेंटर्स में मैडम का नाम लेना चाहूँगी, उषा सिलाई कढ़ाई सेंटर जो मैडम का जवाहर नगर में है, ये हमारी फ्रेंचाइज सेंटर है। मैडम यहाँ से काफ़ी सारी लड़कियों को ट्रेनिंग देते जा रही हैं और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो मैं भी मैडम का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं और आगे भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हमारे इस मिशन में हमारे साथ बराबरी से साथ देते जा रही हैं। थैंक यू मैडम, मेरे को तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। मैं रसीदा मैडम है, भारती मैडम और बिलकिस मैडम के साथ जुड़ी हुई हूँ और जैसे जैसे इनका आदेश आता जाता है मैं काम करते जाती हूँ। रशीदा मैम को भी बुलाना चाहूँगी, ज़ोरदार तालियां रशीदा मैम के लिए भी। मिशन 5000 में रशीदा मैम का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक समूह चलाती थी, समूह के द्वारा मैं असरफिया ग्रुप में जुड़ी और वहाँ मैंने महिलाओं का सब सामान लेके वहाँ पे स्टॉल लगाई हुई थी और मैं सामान मेरा बिक्री भी हुआ और महिलाओं को उनका पैसा वापस भी कर देती हूँ। इन्हीं के थ्रू मेरा रसीदा मैडम है, भारती मैडम और बिलकिस मैडम से मेरा परिचय हुआ और मैं आज इतना आगे इन्हीं के बदौलत आज इतना आगे बढ़ी हुई हूँ और आगे भी मैं असरफिया ग्रुप में काम करना चाहती हूँ। ये मैं आज ये सब प्रोग्राम देख के मेरे को आज ये मतलब जागरूक हुआ जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आपको की इच्छा होना चाहिए काम करने का, तो मेरी भी इच्छा है इस असरफिया ग्रुप में काम करूं और महिलाओं को आगे बढ़ाते चलूं। और मैं असरफिया ग्रुप में कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले रही हूं और भारती मैडम ने मुझे कंप्यूटर के ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग किया। बिलकिस मैडम को मैं बोली कि मैं नहीं सीख सकती कंप्यूटर, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो बिलकिस मैडम बोलती है कि नहीं आप सीख जाओगे करके। मेरे कंप्यूटर सर है वो तो माथा पकड़ लिए थे एक दिन कि मैडम मैं आपको कैसे सिखाऊं करके। मैं बोली कि इसीलिए सर मैं नहीं सीखना चाहती थी लेकिन मैम सीख रही हैं। मेरा कंप्यूटर में मेरा बहुत गैप हो जाता है क्योंकि कुछ कुछ काम मेरा आते रहता है और नगर निगम से भी जुड़ी हुई हूँ इसीलिए मेरा गैप ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू असरफिया ग्रुप, थैंक यू सो मच। ज़ोरदार तालियां बजाइए उषा मैम के लिए, भारती मैम, बिलकिस मैम और रशीदा मैम के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आज के कार्यक्रम को इतना शानदार बनाने के लिए। और मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ स्टेज पर आइए, ग्रुप फोटो लास्ट में जो हमारा है कल्चर, प्लीज़ आइए। और उसके बाद जो इतने देर से आप लोग को रोके रखा था कि सेल्फी नहीं लेना है, उसके बाद फिर आप लोग फ्री हैं। आप लोग जो इतने देर से अपने आप पे कंट्रोल करके बैठे हुए थे, अब आप लोग अपने अपने फ़ोन निकाल के अपनी सेल्फियाँ ले सकते हैं। Na 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 तुझे कल बुलाएगा यारों, जी भर के जी ले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा।
na 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 na. देखो है मंजर सजे सारे हमी हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह कहीं जैसे कोई धुन बजे राहों में देखो है मंजर सजे सारे हमी हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली वजह ये जो सच नहीं तो सच भला है क्या अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र फिर क्यों भला डरो है जुनून पे हो यकीन तो जिंदगी हसीन